गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह। आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ मैपिंग। मैपिंग का ये सेशन है स्ट्रेटजी सेशन। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, दैट इज अनअकैडमी। सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। स्टूडेंट्स बता दीजिए मुझे इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या बात है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। यस यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशन होने वाला है। डिस्कशन तो बनता है ना, 2020 को लेकर, 2020 के क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे हम लोग। वी विल सी व्हाई टू डू मैपिंग, हाउ टू डू मैपिंग एंड व्हाट टू डू इन मैपिंग। देखिए ये ग्लोब, ये पृथ्वी और ये एटलस जो आपके हाथ में है, अभी एटलस ले लीजिएगा आप लोग। ये अपने आप में एक, आप खुद समझ सकते हैं, इंफॉर्मेशन का पूरा सोर्स है उसके अंदर। लेकिन लेकिन हमें बहुत अच्छे से टैकल करते हुए चलना है। द सेम एटलस शुड बी रेड इन अ डिफरेंट मैनर फॉर द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस। द सेम एटलस यू हैव टू गो इन अ डिफरेंट मैनर फॉर द यूपीएससी। द सेम एटलस यू हैव टू गो इन अ डिफरेंट मैनर फॉर अदर एग्जामिनेशंस। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। कोई मैप नहीं ओपन करना है भाई, ठीक है, कोई मैप नहीं ओपन करना है। जब मैं बताऊंगा तब आप देखिएगा, ठीक है। आज एक स्ट्रेटजी सेशन है, सुनिए आराम से, ठीक है, सुनिए और ज्ञान लीजिए और ज्ञान वर्धन कीजिए। टेक अप द नॉलेज एंड ट्रैक पे लाने के लिए मैं ये सेशन रखा है मैंने। ट्रैक पे आ जाइएगा आप लोग मैपिंग को लेकर, कि क्या परेशानी होती है मैपिंग में, मैपिंग में क्वेश्चंस कहां से आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बताइए दैट मैपिंग से डर लगता है, मैपिंग से क्या डर, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, इस डर के आगे चल निकलते हैं आज, ठीक है, इस डर के आगे चल निकलते हैं और देखते हैं कि मैपिंग वाकई में कितना डरावना है या ऐसे ही एक हाइप क्रिएटेड है। लेट्स सी, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह। आई अगेन वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ मैपिंग स्ट्रेटजी। प्रीवियस फाइव ईयर क्वेश्चन पेपर 2016, 17, 18, 19, 20, वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन पेपर्स आउट हियर। और एक स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे हम लोग प्रीलिम्स के लिए, फिर हम मेंस में देखेंगे कहां मैपिंग इस्तेमाल हो सकता है जीएस के पेपर्स में। यस ओके, एंड और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में मैपिंग कैसे की जानी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रो, इंट्रो तो बनता है भाई, ठीक है, इतना बढ़िया सेशन लेने वाला हूं मैं, ठीक है। हैव अ लुक, दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड। लास्ट 10 ईयर से ऑफलाइन मेंटरिंग, लास्ट 5 मंथ से ऑनलाइन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेंटरिंग। यस, राइटिंग में भी डर लग रहा है, राइटिंग आंसर राइटिंग में क्या डर भाई, कल मैंने बताया है आपको, तो आपका 80% वर्क वैसा ही है जो मैंने आज मॉर्निंग में भी बोला है आप लोगों को। ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्म, डीकोड द क्वेश्चन अप्रोच, दैट्स इट, ठीक है। 2 घंटे का सेशन है, 2 घंटे रिजर्व कर दीजिए मेरे लिए, ठीक है। चाय पानी पीना है, बाद में लेना है, ठीक है, गॉट इट। चाय मैंने भी अभी पोस्टपोन किया, अब 6 बजे के बाद मैं लूंगा, ओके। एंड यस यस, मैपिंग इजी है भाई, मैं मान लिया, ठीक है। हैव अ लुक, दिस इज एंड यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है। 2007 में आई मिस्ड बाय अ मियर 2 मार्क्स, ठीक है। 4 अटेम्प्ट, 4 मेंस, 2 पर्सनैलिटी टेस्ट। इनफैक्ट प्रीलिम्स कभी फेल हुए ही नहीं हम लोग, प्रीलिम्स में बाद में जब स्कोर्स आए, मीन्स आरटीआई के स्कोर्स, आरटीआई किया था किसी ने, ठीक है, 2009-10 में स्कोर मालूम चला हम लोगों को, वी वर फार अहेड बाई 90 मार्क्स 80 मार्क्स। उसमें एक बहुत बड़ा अप्रोच इसका भी था कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं देख कर टैकल करके अच्छे से, और हमारे समय ऑप्शनल हुआ करता था इंस्टेड ऑफ सी सेट, और बहुत हाई स्कोर शूट अप करते थे कट ऑफ में। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि नब्स जाना जाए, पहचाना जाए एग्जामिनर का नब्स, यानी पल्स, जैसे एक डॉक्टर आपका पल्स देखकर, आपकी नब्स देखकर बता देता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, ठीक है, जो रियल में डॉक्टर होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पल्स चेक करेंगे आज कि एग्जामिनर क्यों, कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं। हमारा आधा काम आज ही हो जाएगा प्रीलिम्स का, आप देखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आज कि ओके, करंट अफेयर्स में से यहाँ से सवाल आ रहे हैं, साउथ इंडिया में यहाँ से सवाल आ रहे हैं, वर्ल्ड में यहाँ सवाल आ रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है।
ओके, तो चलिए ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड उसके बाद ऑल द अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करने के बाद आई वेंट ऑन टू क्रैक द एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम। 2 साल मैंने वहाँ पे सर्विस किया, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स स्टेट सर्विसेज में, वहाँ मैंने 3 साल सर्विस किया। एंड लेट मी टेल यू, स्टेट सर्विसेज, अगर आप यूपीएससी की तैयारी आपने अच्छे से की है तो स्टेट सर्विसेज में प्रीलिम्स अगर आपने टैकल कर लिया, मेंस में कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं बता दूं आप, मैंने यही देखा अपने केस में। पहली बार मैं बैठा, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस दिया, वेंट थ्रू स्मूथली विदाउट एनी हिकअप्स, दैट टू विद अ 1 वीक प्रिपरेशन, ओनली 1 वीक प्रिपरेशन इन द मेन्स। ओके, तो मैं बस इतना बोलूंगा, यूपीएससी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। 2 साल लगा रहे हैं, उसका एग्जाम निकल जाएंगे सारे, आप चिंता मत कीजिए। बता रहा हूं आपको, मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, कभी खाली नहीं जाएगा आपका हार्डवर्क। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग अंडरस्कोर सिंह। जुड़िए इस पर इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, ठीक है, प्रीलिम्स विदाउट कोचिंग ही होता है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज के लिए बस आपको प्रैक्टिस के लिए आना पड़ता है। ठीक है, आप एमसीक्यूज, ऑनलाइन एमसीक्यूज, अभी देखिए अनअकैडमी कॉम्बैट भी लॉन्च हुआ है, जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, इन मेंस यू नीड अ मेंटरिंग अप्रोच, मैं बता दूं आपको, आपको मेंटर चाहिए होते हैं मेंस में। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी मैं कहता हूं हमेशा कि यू कैन क्वालिफाई, लेकिन आपको जो सीखने में 3-4 साल लगेंगे वो हम लोग यहाँ पे 1.5 साल में सिखा देंगे। ठीक है, तो दीज आर टॉप एजुकेटर्स टीचिंग अपन द प्लस प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब कीजिए प्लस पर, डाउनलोड करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप। प्लस में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। यूज अनुराग एज डिस्काउंट कोड, गेट अ 10% ऑफ, ऑल्सो गेट माई नोट्स, बुकलेट्स एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ईएमआई ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पूछ लीजिएगा मेरे से अगर कोई दिक्कत होगी तो, टेलीग्राम पर आकर। ठीक है, एंड दिस इज इफ यू नीड अ पर्सनल कोच, डेली मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनल फीडबैक, गो फॉर द आइकनिक सब्सक्रिप्शन। और इसमें मीन्स इट्स लाइक अ डेली बेस्ड गाइडेंस। ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, एंड यूज अनुराग एज डिस्काउंट कोड, गेट 10% ऑफ, ऑल्सो गेट माई नोट्स, बुकलेट्स एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं इतना बता दूं आपको दैट आपको एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। यस, और ये देखिए अनअकैडमी कॉम्बैट लॉन्च हुआ है, अनुराग रेफरल कोड है, जाइए, फ्री बैटल है ये, फ्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट है, एवरी ऑल्टरनेट संडे। 20 तारीख को हुआ था, आज आज 27 है, अब अगले संडे को होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये देखिए बैच कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं 28 दिसंबर से, फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, यू कैन ज्वाइन द प्लेटफॉर्म टू टेक द एडवांटेज। आइए देखते हैं आज का सेशन, रेडी हैं आप लोग स्टूडेंट्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स। मैपिंग के लिए कुछ भी नोट नहीं बनाना है, बस सुनते रहिए अच्छे से। आज हमारा जो लेक्चर है मैपिंग का, डिकोडिंग मैपिंग, यूपीएससी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स, साथ में हम मेंस जीएस देखेंगे। आज ज्योग्राफी ऑप्शन का मेंस नहीं देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंस वी आर गोइंग टू सी ऑफ द पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। लेट्स बिगिन टुडे सेशन, हैव अ लुक। अगर मैपिंग मैपिंग के फील्ड से सवाल देखे जाए तो जनरल स्टडीज के प्रीलिम्स में 5 से 6 सवाल डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्शन एवरी ईयर। इस बार 6 सवाल आए हैं, 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस का मतलब प्रीलिम्स में 2 नंबर का 1 सवाल 12 मार्क्स। इसमें कम से कम 5 सवाल डूएबल होते हैं स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस। और अगर आप ये नहीं करके जाइएगा, यू विल बी लूजिंग अपॉन 10 क्रूशियल मार्क्स, आप बाकी लोगों से पिछड़ जाइएगा, क्योंकि द रिमेनिंग पीपल वुड बी अटेंडिंग अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस। ओके, नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है सेशन। नेक्स्ट, जनरल स्टडीज प्रीलिम्स में 10 to 15 क्वेश्चन इनडायरेक्टली इसी सेक्शन से आते हैं। आप बोलोगे इनडायरेक्टली का मतलब क्या सर? प्लेसेस इन न्यूज, उसके बैकग्राउंड से। आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन, वेन एवर देर इज अ प्लेस इन न्यूज या कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहां पे कुछ मीन, जैसे मिशन सागर 2 इंडिया ने भेजा था, तो सुदान, जिबूटी, जिबूटी का बैकग्राउंड, मिलिट्री बेसिस वहां पे कितने हैं, आपको लगेगा ये क्या कहते हैं, ये आईआर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं न्यूज में आएगा। नहीं, ये प्लेस इन न्यूज था, उसके बैकग्राउंड से चेक करके डाला गया है।
इसका साफ मतलब है प्लेसेस इन न्यूज आपको तबीयत से पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यही कहता हूं भाई, तबीयत से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका 360 डिग्री चेक, बैकग्राउंड चेक, गॉट इट। नेक्स्ट, जनरल स्टडीज मेंस में क्रिटिकल वैल्यू एडिशन फॉर सम पार्ट्स ऑफ जीएस, यस मेंस में स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक और आईआर का टॉपिक बिना मैप के आप नहीं पा पाओगे जीएस में। मेंस में मैप बनाना अनिवार्य है भाई, आपको मैंडेटरी बनाना पड़ेगा। आप बोलिएगा इफ वी डोंट मेक मैप्स तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 15 मार्क्स में आपको ऐसे 12 मिलते हैं, ऐसे 8 मिलेंगे, 9 मिलेंगे। मैप के बिना ना तो इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं कंट्रीज के बीच में, ना ही इंटरनल सिक्योरिटी होती है इंडिया की। तो मैप वहां पे एसेंशियल, इट्स मैंडेटरी, गॉट इट। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको पता है ज्योग्राफी ऑप्शनल, पेपर वन पेपर टू तो डायरेक्टली मैपिंग पे पूरे बेस्ड है। ज्योग्राफी का तो पूरा पेपर ही, ज्योग्राफी में जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, लेट मी टेल यू, हर हर ऑप्शन में केस स्टडीज या एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है, आपको भी जरूरत पड़ेगी। किसी जगह पे इफ देर इज, इफ दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू इन द ऑप्शनल पेपर, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स विदाउट एविडेंसेस, लेट मी टेल यू। एंड एविडेंसेस कम फ्रॉम मैपिंग, लेट मी टेल यू। डेविस का साइकिल, एरोजन का साइकिल हो या पेंक का एरोजन साइकिल हो जो उसने प्रपोज किया था, उसमें आपको एविडेंसेस निकालने पड़ेंगे, कौन सा रॉक कहाँ पे है, एरोशन का साइकिल कहां दिखता है, ठीक है। अफ्रीका में क्या ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स के पास में दिखता है या नहीं दिखता है, नाइजीरिया में दिखता है कि नहीं दिखता है, आपको ये एविडेंसेस डालने पड़ेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स कितना भी लिख दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैप बनाना सिखा देंगे भाई, क्यों चिंता कर। देखिए मैं प्लेसेस इन न्यूज में पढ़ाता हूं, जिबूटी हो, आज देखिए कतर न्यूज में था, आप देखिए कतर न्यूज में था, मैंने कहा पेनिनसुला है, पर्शियन गल्फ में है। देखिए मैंने सेकेंड पॉइंट कहा पर्शियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ का नाम ईरान पे पड़ा है, पर्शिया, फॉर इंफॉर्मेशन। अरेबिया है, उसको अरेबिक गल्फ कहने की बात कर रहा है। फोर्थ न्यूज, बहरीन इज अ आईलैंड आउट देयर, बस इतना, चार पांच चीजें, बैकग्राउंड चेक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन, देखते हैं 2020 के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हम लोग करेंगे और देखेंगे विच आर द क्रिटिकल एरियाज जहां से यूपीएससी सवाल पूछ रही है। फेवरेट एरियाज, सबका एक फेवरेट एरिया होता है भाई, ठीक है, सबका एक फेवरेट डिश होता है, फेवरेट एरिया होता है, फेवरेट पेन होता है, ठीक है, और फेवरेट कॉपी होता है, फेवरेट सेशन होता है यूट्यूब पर सबका। तो वैसे ही फेवरेट एरिया यूपीएससी का हम निकालेंगे आज, चिंता मत कीजिए, और उसको पढ़कर चले जाइएगा, 6 में 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो फर्स्ट ये देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। अब G20 मुझे मुझे पढ़ाना ही नहीं है, मैंने सितंबर मंथ में, अगस्त मंथ में G20 पे न्यूज आया था, एंड आई हैड स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट द कंट्रीज इन डिफरेंट, द कंट्रीज ऑफ G20 इन डिफरेंट कंटिनेंट्स। मैंने वहां ये कहा था कि एशिया से सवाल आ सकता है, एशिया में कितने G20 के कंट्रीज हैं, तुर्की है कि नहीं, इंडोनेशिया है कि नहीं, मैंने बताया था, गॉट इट। सो डोंट, ठीक है, डोंट यू थिंक G20 सितंबर में न्यूज, ओके, G20 अप्रैल में भी न्यूज, यस अप्रैल में न्यूज आया था, G20 का एक वर्चुअल वर्चुअल समिट होल्ड किया गया था, अप्रैल की बात है, यूपीएससी ने उसको पकड़ लिया उस समिट को और उठाकर सवाल यहां पे पुट अप कर दिया। इसका क्या मतलब है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स इन न्यूज, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स इन न्यूज, इन दैट इफ द ग्रुपिंग्स आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 or 15 or 20 countries, फ्रॉम देयर द क्वेश्चंस माइट अराइज। बड़े ग्रुप्स जैसे WHO, ILO, उसमें कंट्रीज नहीं आएंगी, उसमें एम्स आएगा, प्रोग्राम्स आएगा, ठीक है, कन्वेंशंस आएंगी, ट्रीटीज आएंगी। अब IUCN में ये नहीं आएगा कि कितनी कंट्रीज है उसमें, अरे भाई उसमें सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, गॉट इट। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, जो छोटे ग्रुपिंग्स होते हैं G7, G8, G20, G4, और अगर ये न्यूज में आए, अगर ये न्यूज में आए तो समझ लीजिए कि कंट्रीज का आपको, और एक पॉइंट, अरब लीग, OIC, मैंने ये पढ़ाया है और ये 2021 में एक्सपेक्टेड है, लेट मी टेल यू,
अरब लीग और ओआईसी में कोई दिस क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि कंट्रीज कितनी है ये आएगा, नहीं, अरब लीग और ओआईसी के सारी कंट्रीज या तो वेस्ट एशिया में है या नॉर्थ अफ्रीका में। इसके बाहर कौन से कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं आपको निकालना है, ठीक है। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया, आपने देखा होगा ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये पता है क्या सवाल आएगा यहां पे, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इसके बाहर विच कंट्रीज आर अ मेंबर ऑफ अरब लीग और ओआईसी। सेम थिंग एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, दिस अभी ओपेक मैंने पढ़ा है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मेजरली अ ग्रुप ऑफ नेशंस इन वेस्ट एशिया, लेकिन इसके बाहर के भी कंट्रीज मेंबर्स हैं। कहां कहां की कंट्रीज मेंबर्स, इसका मतलब साफ है स्टूडेंट्स, जहां बहुत ज्यादा नेम्स आ जाएगा उस जगह से, बहुत कंट्रीज आ जाएंगे एक रीजन की, वहां सवाल नहीं आएगा, उसके बाहर एक्सेप्शन। आर यू गेटिंग इट, बात समझ में आ रही है? टेल मी स्टूडेंट्स, टेल मी, बात समझ में आ रही है? अब ऐसी अफ्रीकन यूनियन न्यूज में था, मान लीजिए अफ्रीकन यूनियन में से कौन सा कंट्री अफ्रीका में अभी ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है, ऐसे करके सवाल पूछा जा सकता है। व्हेनेवर द न्यूज कम्स वी शुड गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वन क्वेश्चन कम्स आउट फ्रॉम देयर, दैट्स इट। ये एक सवाल, और ये सवाल टफ नहीं होता है, इजी होता है, इजी होता है, हिंट दिए रहते हैं उसमें, उसके अंदर, ठीक है। क्या समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स, टेल मी। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत टफ हो गया, टफ नहीं हुआ। G20, G8 ये सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ओपेक, अरब लीग, अब अरब लीग और ओआईसी मैं आज लिखित दे रहा हूं आपको, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, ये देखिए 2020 का सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मेकोंग अंडमान सी, टेम्स आयरिश सी, वोल्गा कैस्पियन सी, जाम्बेजी इंडियन ओशन। अच्छा, डिफरेंट सीज आ रहा है इसमें, यूरोप के दो सीज हैं, यूरोप का एक सी है और एक है कैस्पियन सी सेंट्रल एशिया का, ठीक है, जहां यूरोप की आके बाउंड्री अटैच होती है, यस, ऑन द रशियन साइड। आइए थोड़ा देखते हैं क्या यूरोप के सीज आए हैं इसके पहले, आइए देखते हैं। ये देखिए 2019 का पेपर देखिए, ये देखिए सी बॉर्डरिंग कंट्री, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। ओके 2019 में एड्रेटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और आगे देखते हैं, आइए 2018 में मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, मेडिटेरेनियन सी वेस्ट एशिया के आसपास, क्या बात है, आपको तो हिंट मिल गया स्टूडेंट्स, हिंट मिल रहा है कि नहीं, टेल मी, आर यू गेटिंग द हिंट, दैट सीज पर बेस्ड एक सवाल आ रहा है। अभी 2017 में भी एक सवाल आया, हम लोग देखेंगे, ठीक है, आर यू गेटिंग इट, आपको हिंट मिल रहा है दैट हाउ द क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड। सो आउट हेयर यूरोपियन, यूरोप के कुछ सीज आपको देखने पड़ेंगे जहां पे रिवर्स ड्रेन होती हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, आयरिश सी आया है, बाल्टिक सीज पर न्यूज में चल रहा है, बाल्टिक सी, दिस कैन बी आस्क्ड इन द कमिंग ईयर, That's it. और कैस्पियन सी एवरग्रीन है, फेवरेट है यूपीएससी का, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, ये जरूर से फिनिश करके जाना है, कौन से कंट्रीज का समुद्री तट है यहां पे, या कौन सी रिवर्स यहां फॉल कर रही हैं, बात समझ में आ रही है। सो सीज ऑफ यूरोप एंड एशिया बिकम इंपॉर्टेंट दैट टू वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड द इनलैंड सीज, कैस्पियन, ब्लैक एंड मेडिटेरेनियन सी बिकम इंपॉर्टेंट। वो जो एरिया है ना जिसने फिनिश किया उसको एक सवाल मिला यूपीएससी में, एक सवाल गारंटीड, लेट मी टेल यू, गारंटीड। सो सीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे सर सीज होते क्या है सर, ये देखिए ये ओशनिक एरिया है, ठीक है, ओशन का डेप्थ 4 किलोमीटर का होता है, ठीक है, ओशनिक एरिया में ध्यान दीजिएगा ये समुद्री तट है, कोस्ट लाइन, द लैंड डिसेंड्स इन अ जेंटल फैशन, ठीक है, और उसके बाद स्टीप फैशन, दिस इज द सी, सॉरी दिस इज द ओशन, 4 किलोमीटर डेप्थ, और ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन
ठीक है, जिसके नीचे में कंटिनेंट का पोर्शन है, कंटिनेंटल शेल्फ कहते हैं इसको, कंटिनेंटल शेल्फ शेल्फ कहते हैं इस पोर्शन को, सी कहते हैं। आर यू गेटिंग इट? सी। और आप बोलेंगे सर इतना ज्यादा क्यों आप इस पर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि सीज पे सारे कंट्रीज फोकस कर रहे हैं आज की तारीख में। मैं ये भी बता दूं आपको कि अगले साल या तो बाल्टिक सी पे सवाल, या सेकंड मैं बता रहा हूं आपको पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक बेल्ट। क्या ये न्यूज में चल रहा है? टेल मी स्टूडेंट्स, द पास्ट 3 मंथ्स कंटिन्यूअस इन न्यूज। और पता है कहां पे बहुत सारे सीज हैं? एक बार ओपन कीजिए, अभी ओपन कीजिए इंडोनेशिया के आसपास का जगह, अभी ओपन कीजिए, ओपन इट नाउ स्टूडेंट्स, अभी ओपन कीजिए इंडोनेशिया के आसपास की जगह। क्या वहां बहुत सारे सीज हैं? देखिए सेलिबी सी, साउथ चाइना सी, जावा सी, देखिए वहां पे अंडमान सी, इधर से अंडमान निकोबार की साइड से, ठीक है, ये देखिए गल्फ ऑफ थाईलैंड। क्या वहां पे पूरा पोर्शन ही फुल ऑफ कंफ्यूजन है? टेल मी, फुल ऑफ कंफ्यूजन। और वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी इमर्ज कर रही है वहां को लेकर। बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तरफ से वियतनाम, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से इंडोनेशिया, एक तरफ से फिलीपींस, उसके बीच के पूरे सीज मार्क करने हैं। आर यू गेटिंग इट? टेल मी स्टूडेंट्स। अब वहां से अगर सवाल आ गया, देखिए अभी यहां देखिए लिखा हुआ है अंडमान सी रिवर मीकॉन्ग फॉल कर रही है कि नहीं, रॉन्ग है ये, ठीक है मैं बता दूं आपको। अंडमान सी मैंने मैपिंग के पोर्शन में मैंने मैपिंग लिया है अन अकेडमी के चैनल पर, मैंने कहा था एक सेशन मैंने लिया था दैट अंडमान सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कंट्रीज का कोस्ट लाइन है ये सवाल आ सकता है, लेकिन यहां पर रिवर आ गया। लेकिन अंडमान सी अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे बहुत सारे नेवल एक्सरसाइज चल रहा है, रशिया और इंडिया का नेवल एक्सरसाइज हुआ है इंदिरा, आपने सुना होगा। मीकोंग रिवर, मीकोंग रिवर गोज इन द बेल्ट ऑफ साउथ चाइना सी, ठीक है, इट राइजेस फ्रॉम चाइना, गोज इन द कंट्रीज ऑफ लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, एंटर साउथ चाइना सी, फॉर्म्स अ डेल्टा इन वियतनाम, गॉट इट? तो क्या बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? बताइए मुझे। अंडमान सी भी इंपॉर्टेंट हो गया और वो साउथ चाइना सी के आसपास का पोर्शन, जावा। अब आप बोलिए सर यहां पे सवाल कैसे आएंगे? सवाल कैसे आएंगे मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट या नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। अभी नोट कीजिए कॉपी में, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट या नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट ऑफ सीज इन साउथ चाइना सी बेल्ट। ये 2021 के प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूं, जरूर से यहां से एक सवाल निकलेगा, गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये तो पॉइंट हो गया यहां पे, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2020 का तीसरा सवाल मैपिंग का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। कौन सा कावेरी बेसिन के अंदर लोकेटेड है प्रोटेक्टेड एरिया? ओके, ये दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, जहां जिस रीजन में ज्वाइन कर रहा है, ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, फेवरेट स्पॉट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे यूपीएससी के एग्जामिनर जाके बैठते हैं कभी कभी साल भर में, कि चलो वहां घूम कर आते हैं, ठीक है। पता है क्यों? आइए देखते हैं 2019 का एक सवाल देखते हैं, लेट्स सी। ये देखिए मैं यहां से दिखा रहा हूं कितने सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ये देखिए 2016 में एक सवाल, रेड सैंडर्स, आपने ये पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव टॉट दिस, ठीक है आई हैव टॉट दिस टॉपिक, रेड सैंडर्स, रेड सैंडलवुड, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। देखिए यहां पे 2016 में एक सवाल उसी रीजन से, आइए आगे देखते हैं। 2016 का सेकंड सवाल, गाडगिल कमिटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट इस जगह को लेकर है, वेस्टर्न घाट्स, 2016 में। और आगे देखते हैं, ये देखिए जस्ट अ मिनट, 2017 का सवाल, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को कौन सा लिंक करता है, ठीक है ये सवाल। अब ऐसी जगह पता है आप डरिए मत, ये सवाल इजी पढ़ते हैं क्योंकि आपको एलिमिनेट करना होता है,
एलिमिनेट। नल्ला मलाई फॉरेस्ट आंध्रा में है, बिल्कुल नहीं आएगा। शेषाचलम आंध्रा में है, बिल्कुल नहीं आएगा। नागरहोल केरल साइड है, बिल्कुल नहीं आएगा। एलिमिनेट किया, लास्ट ऑप्शन बचा उसे मार्क करना है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, वो स्पॉट फेवरेट हो गया है यूपीएससी का, वहां जाके लोग चाय पीते हैं। मोरल यही है स्टोरी का, और आपको ये इमेजिन करना कि वो लोग चाय पीते हैं तो वहां पे, वहां के एरिया पे फोकस करके जाना है। गॉट इट? अभी शोला ग्रासलैंड्स न्यूज में थे, ठीक है, इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है आप लोगों को। आइए आगे देखते हैं 2018 में, हैव अ लुक। ये देखिए 2017 का सेकंड क्वेश्चन वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। अब ये आप लोग स्टूडेंट्स हैं मेरे, आपको तो इजी पढ़ रहा होगा ये, ठीक है। ओनली वर्ड भी आ गया, 5 स्टेट्स भी आ गया, ठीक है। दो हजार अट्ठारह का देखिए, आइए देखते हैं 2018, लेट सी क्या कहीं से सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आई सपोज ये देखिए 2000, जस्ट अ मिनट, ये देखिए 2019 में अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। मैं तो कहता हूं गारंटीड, अगर दो नंबर लाने हैं तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्त मलाई पढ़ के जाना है। एंड करंट अफेयर्स में जो भी आ रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से, उसे फोकस में करके जाना है। करंट अफेयर्स में क्या आ रहा है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व, कोई प्रोटेक्टेड एरिया, जरूर से। आई सपोज यू आर गेटिंग इट स्टूडेंट्स, टेल मी। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने कहा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कंबाइंड कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया लिंक करना है, ये सवाल लिंक करता है, ये सवाल आया हुआ है। सत्यमंगलम करता है या नहीं करता है, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कौन सा नहीं पड़ेगा उस बीच में। करना नीलगिरीज में कौन सा नहीं पड़ेगा, नीलगिरीज के अंदर। मैंने बस इतना किया, मैंने एलिमिनेट करना शुरू किया। नल्ला मलाई फॉरेस्ट आर इन आंध्रा, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, कोर आंध्र प्रदेश। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व इज इन ईस्टर्न घाट्स कोर, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, ठीक है। कर्नाटका के, तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो नीलगिरीज है वहां पे कौन सा नहीं है, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। नागरहोल इट्स इन केरल। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व अ पार्ट ऑफ नीलगिरीज इज इन द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर वेर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट। ये लास्ट ऑप्शन बचा, दैट्स इट। बात समझ में आ रही, एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन। मैंने यही एलिमिनेशन टेक्निक अभी 3-4 दिन पहले बताया था वहां पे भी, दिस इन लास्ट वीक आई टुक अप अ सेशन ऑन एलिमिनेशन, मैंने ये बताया था, ध्यान दीजिएगा दिस वन। अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा नहीं आता है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से नेशनल पार्क और सेंचुरीज आते हैं। मैंने कहा था यहां आप ये देखिए कि एलिमिनेट कैसे हो सकता है, आपको केवल नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ के जाना है। इसके लिए आपको अगस्त मलाई पढ़ना ही नहीं है, नीलगिरीज से ही आप सवाल सॉल्व कर दीजिएगा। हैव अ लुक। सो सत्यमंगलम इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरीज, मुदुमलाई इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरीज, न्यूज में भी चल रहा है। और मैं बता दूंगा आपको सत्यमंगलम तो अभी आपने पेपर देखा 2017 में आया हुआ है, आप अगर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाओगे आप इसे एलिमिनेट कर दोगे। ये अगस्त मलाई साउथ में, केरल में, वहां नहीं आएगा भाई, ये नीलगिरीज में आता है। सेकंड ये देखिए यहां पे श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके ये तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, अरे तिरुपति तिरुमला टेम्पल है ये, वेंकटेश्वर टेम्पल, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद ये देखा गया सी ऑप्शन, इसमें मुकुर्ति नेशनल पार्क नीलगिरीज में आता है, ये भी नीलगिरीज में आ गया। पूछा गया है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा आता है। आर यू गेटिंग इट? अब मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं आपको, इंडिया का मैप बना रहा हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है। यहां पे बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ज्योग्राफिकल रीजंस डिमार्केटेड अपॉन द मैप फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। मैंने ये ऑलरेडी लिया हुआ है ये सेशंस, ठीक है, हैव अ लुक, दिस इज इंडियाज मैप। तो यहां पे वेस्टर्न घाट्स में दो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एक अगस्त मलाई। अगस्त मलाई राइट एट द टिप है साउथ इंडिया में, ये है अगस्त मलाई, ये है नीलगिरीज।
और ये ईस्टर्न घाट्स, इसके अंदर ये यहाँ पे शेषाचलम रिजर्व, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें है तिरुपति तिरुमला टेम्पल। बस ये तीन का नाम, इन तीन को पढ़ के जाइएगा, एक सवाल गारंटीड मिलने वाला है, गारंटीड मैं अभी बता रहा हूं आपको। एंड इन द करंट अफेयर्स आई हैव टेकन एन नंबर ऑफ टाइम्स नीलगिरीज, कम से कम 5 से 8 बार, 5 से 8 बार मैंने ये सेशन, मैंने ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया, नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व का मैप देकर। सत्यम मंगलम कहाँ है, मुकुर्थी कहाँ है, मधुमल्लई कहाँ है, वैयनाड कहाँ है, नागरहोयल कहाँ है, आपने देखा होगा। गॉट इट, टेल मी स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? सो इन दिस वे यू हैव टू मैनेज द, इन दिस वे यू हैव टू मैनेज द क्वेश्चंस की। ठीक है, सर ने बोला यहां पे इन तीन जगह पे फोकस करके जाने का, यस, तीन जगह पे फोकस करके जाने का, उसमें सबसे क्रेडिबल फोकस नीलगिरीज के ऊपर। और ये देखिए 2020 में ही सवाल आ गया, ये देखिए, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आया है, ये देखिए 2020 का सवाल, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बोलो। देखिए, ये देखिए, कावेरी बेसिन में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है, आ गया वही नागरहोइल, सत्यमंगलम, वैयनाड, पापिकोंडा, सेम चीज। अब देख रहे हैं एक ही रिजर्व्स बार बार नेम में आ रहे हैं, बार बार सवाल में आ रहे हैं। यूपीएससी कह रहा मैं तो वहीं से पूछूंगा, मुझे वहीं का एरिया पसंद है। आप कह रहे मैं तो पढ़कर नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब कहां, अब ये सेकेंड एरिया कहां टारगेट करोगे 2021 के लिए, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, लेट मी नो। ठीक है, टेल मी, अब समझ में आ रहा है कि कहां फोकस करना है? चाय कहां पीने जाते हैं ये लोग, सत्य मंगलम में, या उसके आसपास मुकुर्थी में, मधुमल्लई में, या वैयनाड थोड़ा चले गए। ठीक है, गॉट इट, दिस इज इन आंध्र प्रदेश, ये न्यूज में आया भी था, लेट मी टेल यू, द हिंदू में आया था ये, तीसरे पन्ने पे, 2019 दिसंबर में। ठीक है, मैंने इस बार आप लोगों को इसी हिसाब से मैं तैयार कर रहा हूं। लास्ट ईयर मैंने कहा था अपने बच्चों लोगों को जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, दैट दे हैड गॉट दिस न्यूज इन देयर, इन देयर दिस, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स। मैं इस बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया मैंने, एक भी आज देखिए ईस्टर्न घाट्स का न्यूज आया है, ईस्टर्न घाट्स, जरूर से ईस्टर्न घाट्स में ये क्या कहते हैं, जो दिस क्या कहते हैं, फ्लोरा पाया गया है। ठीक है, अब ये जरूर से आपको पढ़कर जाना है, उस जगह पे जो भी न्यूज आ रहा है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, इस वैयनाड इज इन केरल ओनली। ठीक है, अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर 2020 का एक और सवाल, कहां पे लोकेटेड है? अब ये मुझे नहीं बताना है, ये आया इसलिए क्योंकि यूपीएससी का डिले हुआ एग्जाम और सियाचिन के आसपास बवाल मच गया, एग्रेशन ऑफ चाइना। ठीक है, चाइनाज एग्रेशन, एंड बाय डिफॉल्ट इट बिकेम इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेगा सर ये इंपॉर्टेंट है तो कैसे इसको पढ़ कर जाए, वो तो गलवन वैली इंपॉर्टेंट था, गलवन वैली इंपॉर्टेंट था, गलवन रिवर इंपॉर्टेंट थी, शियोक रिवर वहीं से, शियोक रिवर में जाकर कंबाइन कर रही थी, शियोक रिवर भी न्यूज में थी, और शियोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर। It's 1645. आपको केवल गलवन, शियोक, नुब्रा, शियोक नदी इंपॉर्टेंट हुई, शियोक के आसपास की नदियां देख लेनी है, बस नुब्रा देख लेते हैं, आपको यह आंसर एक मार्क करने में एक सेकंड नहीं लगता। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ये केवल न्यूज में था इसलिए आया, ये केवल इसलिए आया क्योंकि वहां ये लोग जाकर चाय पीते हैं, ये साउथ इंडिया वाला रीजन। ठीक है, ये केवल इसलिए आया कि सीज से बहुत प्यार हो गया यूपीएससी को। ठीक है, और ये केवल इसलिए आया क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हर साल ये लोग एक सवाल पूछते हैं, फेवरेट टॉपिक है भाई, वो लोग रखते हैं अपने टेबल पे उसके नोट्स, देखते देखते आपके चार सवाल टैकल हो जाएंगे। इसका साफ मतलब है इंडिया, इंडिया को, इंडिया की मैपिंग में साउथ इंडिया बिकम्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, बॉर्डर रीजन बिकम्स इंपॉर्टेंट, बॉर्डर रीजन इधर नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, वो भी बॉर्डर रीजन में, अभी रिवर्स, रिवर्स पे फोकस आ गया है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स?
बताइए। देखिए 2020 में एक और न्यूज, ये तो मैंने, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल पर चले जाइएगा, मेरा एनवायरनमेंट का वीडियो है, मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज ऑन 10th और 11th ऑफ जुलाई, दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑन एकेडमी प्लेटफॉर्म ऑफ माइन, जाकर देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड एरिया से मैंने ये मार्क करवाया था, कान्हा नेशनल पार्क, बारासिंघा वहीं पे पाया जाता है, ये मैंने बकायदे मार्क करके दिया था। जस्ट गो एंड सी, बिकॉज दिसंबर 19 में ये न्यूज में था, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क को यूनेस्को की टीम आकर स्टडी करके गई थी और ये किसी बड़े न्यूज़पेपर में नहीं छपा था, बट एनवायरनमेंट को लेकर ये न्यूज आया था यूनेस्को के ही वेबसाइट पे, यस, कि फिजिबिलिटी स्टडीज हुई है। यूनेस्को यूनेस्को वांट्स द एरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, और उसी तैयारी शुरू हो गई है। फिजिबिलिटी स्टडी से मतलब क्या होता है, पायलट स्टडीज होती हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल स्टडीज, क्या यहां बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप हो सकता है या नहीं। कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व, इन जगहों की स्टडी हुई थी, और कान्हा और पेंच की स्टडी करके वहीं पे उसी उसी जगह पे लिखा हुआ था, लोकल न्यूज़पेपर में आया था, हिंदी न्यूज़पेपर में, दैट वहां पे बारहसिंघा पाया जाता है। बस मैंने एक्सपेक्टेड एरिया में डाला था जुलाई में, ये इट केम ऑन इन अक्टूबर 2020, ठीक है। गॉट इट स्टूडेंट्स, टेल मी, बात समझ में आ रही है? इसका साफ मतलब है, अगर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आ रहा है और किसी स्पीसीज पे फोकस कर रहा है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पीसीज पे फोकस, वो स्पीसीज हो गया इंपॉर्टेंट। इस बार शायद दिस क्या कहते हैं, न्यूज में आया है, दिस रीजन स्नो लेपार्ड, न्यूज में लेपार्ड का भी न्यूज आया हुआ है, सेंसस हुआ है, ठीक है। उसके अलावा शोला ग्रासलैंड्स का न्यूज आया हुआ है, जो भी न्यूज में है, फ्लोरा हो या फौना, इंपॉर्टेंट वन निकलता है, ठीक है। तो 2020 में देखिए 6 सवाल, लगभग 6 के 6 आप टैकल कर लीजिएगा, थोड़ा सा कमांड कि कहाँ से सवाल आ रहा है। मैं तो आपकी जगह रहूंगा तो मैं वर्ल्ड मैपिंग में कुछ स्पेसिफिक एरियाज करके जाऊंगा, यस, स्पेसिफिक एरियाज अच्छे से करके जाऊंगा, यूरोप के सीज, साउथ चाइना सी के आसपास के सीज, इंडोनेशिया के आइलैंड्स, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, उसके आसपास किस कंट्रीज, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2019 का पेपर देखते हैं। आई सपोज थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे बताइए चैट बॉक्स में कैसा लग रहा है सेशन। यस, हिमालयन सीरो भूल गए हम लोग, वही यूपीएससी एस्पिरेंट जो अकेला बैठा रहता है, हिमालयन सीरो, ठीक है, अकेला बैठा रहता है वहां पे, वो 2000 से 4000 मीटर के बीच में, ठीक है, वो सेल्फी नहीं लेता है, ठीक है, उसका फोटो कभी कभी आता है, वो भी कैमरा ट्रैप से, एक गलती से आ गया इंडियन एक्सप्रेस में उसका न्यूज, ठीक है, क्लियर। तो उस यूपीएससी एस्पिरेंट को भी याद रखिएगा, वो आपकी तरह सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है। आइए देखते हैं 2019 का पेपर, ये देखिए पहला सवाल, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, आप देख रहे हैं वही एरिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, वही एरिया बार बार यूपीएससी टारगेट कर रही है, उस एरिया पे तो एकदम पिक्चराइज रहना चाहिए। मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज, तुर्की, साइप्रस एक आइलैंड, लेबनन, ऐसे करके आपको मार्क करना है, सीरिया, लेबनन, इसराइल, नीचे में इजिप्ट, ऐसे करके मार्क करना है आपको। आप बोलेंगे सर कैसे किया जाइए, ये रटा कैसे जाए, रटना नहीं है आपको, सी द सी ऑन वन साइड, जैसे रेड सी का ऑन वन साइड है इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, चार कंट्रीज कीजिए वहां पे मार्क कीजिए, और एक बार आंख बंद करके इमेजिन कीजिए उस मैप को सामने, चार कंट्रीज, इसराइल, उसके नीचे जॉर्डन, उसके नीचे सऊदी, उसके नीचे यमन, रेड सी का वेस्टर्न पार्ट इजिप्ट, सुदान, एरिट्री, क्योंकि इथियोपिया लैंडलॉक्ट है, सर ने कहा था इथियोपिया लैंडलॉक्ट है क्योंकि इथियोपिया के साथ वॉर चल रहा है एरिट्री का, एरिट्री, जिबूटी, आर यू गेटिंग इट, क्लियर है।
बात समझ में आ रही है। अब देखिए एरिट्री का आईआर का न्यूज आया और उससे रेड सी का सवाल पूछ देंगे ये लोग, तुरंत पूछ देंगे ये लोग। तो मैं पता है क्या, मैं क्या करता था अपने समय मैपिंग को अच्छा करने के लिए, मैं रटता नहीं था, आई यूज टू पिक्चराइज इट। हमारा ब्रेन जो है ना, हमारे ब्रेन में दोनों चीजें अगर जाती हैं तो ज्यादा अच्छे से रिटेंशन पावर का, रिटेंशन पावर भूलोगे नहीं आप। एक तरीका होता है आप रीड कर रहे हो, मार्क कर रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला रहे हो, एक तरीका होता है पिक्चराइज कर रहे हो आप उस पन्ने को अपने सामने, उस मैप को अपने सामने। तो रोज सुबह 5 मिनट उठते ही मेरे सेशन के पहले यूट्यूब में न्यूज के पहले सेशन के पहले 5 मिनट, एक केवल 5 मिनट, रेड सी के वेस्ट में कितने देश हैं इमेजिन कीजिए, बस इमेजिन कीजिए, टेस्ट कीजिए अपने आप को और फिर एटलस ओपन कीजिए, देखिए क्या आप सही हैं या गलत है। रोज एक जगह उठाओ, क्या इतना करोगे आप लोग बताइए मुझे, आप देखिएगा विद इन 30 डेज यू विल हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन दैट बेल्ट, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप। बस इतना करना है, कोई रिसोर्स नहीं लगने वाला है, एक ही रिसोर्स चाहिए, दिमाग। वहां पे आंख बंद करना है 5 मिनट, सर का सेशन शुरू होने वाला है, एक बार 5 मिनट सोचते हैं यार रेड सी के आसपास, सोचते हैं एड्रेटिक सी के आसपास, सोचते हैं कैस्पियन सी के आसपास, बस दैट्स इट। ठीक है, सोमालिया नहीं है रेड सी पे, सोमालिया गल्फ ऑफ एडन पे है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे 2019 का सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए कोहिमा से कोट्टायाम, ये इसे कहते हैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, और ये पता है कैसे सॉल्व होगा पिक्चराइज करके। रोड से कोहिमा से कोट्टायाम जाइएगा, ठीक है, इससे दो चीजें पूछ ली गई, कोहिमा कहां पे और कोट्टायाम कौन से स्टेट में, यू मस्ट बी एबल टू नो। ठीक है, दैट नागालैंड से आपको केरल जाना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, मिनिमम वर्ड यानी बांग्लादेश होते हुए, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है, एंड इंडिया से ट्रेवल करते हुए कितना, मीन्स ट्रेवल करते हुए कितना टाइम लगे, आपको कितने स्टेट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, 6 7 8 9। इसमें साफ साफ क्या ये रटने वाला टॉपिक है, नहीं, पिक्चराइज करना है। और एक एक तरह के सवाल आने बंद हो गए हैं स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, अभी 4 साल पहले सवाल आ रहे थे, दिल्ली है, अभी 2 साल पहले भी एक सवाल आया, दिल्ली है उसके क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड में कौन सा सिटी है, नागपुर, बेंगलोर, ऐसे करके, यानी पॉलिटिकल मैप इंडिया का, पॉलिटिकल मैप ध्यान दीजिएगा। अभी आपने फिजिकल फीचर्स, हम देखेंगे अभी फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, अभी आपने बायोस्फीयर रिजर्व्स का आपने एरिया मार्क किया साउथ इंडिया, लेकिन इसके अलावा सिटीज, सिटीज बॉर्डर्स, सिटीज पे, शहर पे, कैपिटल पे, राजधानी पे, इंडिया का पॉलिटिकल मैप प्रीलिम्स से 1 महीने पहले, बस दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, जम्मू, ऐसे करके, उसके बाद मींस कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, बस देखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लखनऊ, जयपुर, ठीक है, लखनऊ, जयपुर, पटना, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, इन तीनों में, बात समझ में आ रही है, टेल मी, बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, ये करना पड़ेगा, ये इसमें मजा आता है, लेट मी टेल यू। ठीक है, जो आसपास है ना वहां से यूपीएससी सवाल पूछती है, और ये 10 में 9 9 गलत होता है ये आंसर, वैसे ही ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद, भोपाल, रांची, कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, बात समझ में आ रही है, पॉलिटिकल मैप। और ये अभी से नहीं करना, ये 30 दिन पहले, पहले आप पूरा मैपिंग में वर्ल्ड पे फोकस कीजिए, 2-3 महीने इंडिया की मैपिंग, स्पेसिफिक मैपिंग आपकी शुरू होगी फ्रॉम अप्रैल, वही 10 मिनट। मैं मैपिंग में कभी नहीं कहता कि आधे घंटे भी बैठो, आधे घंटे में हेडेक हो जाएगा, आधे घंटे मैं नहीं बैठ सकता मैपिंग में, 10 मिनट का मैपिंग, 10 मिनट केवल, 4 शहर एक साथ, कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ कौन सा पूरब कौन सा पश्चिम, आर यू गेटिंग इट क्लियर। अब देखिए आगे, अब देखिए 2018 का एक और सवाल, मेडिटेरेनियन सी इज द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, हैव अ लुक, आ गया ना उस बेल्ट से क्वेश्चन, बस देखिए वहीं से सवाल निकल रहे हैं। उसके बाद 2016 का एक सवाल देखिए, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, एनवायरमेंट का सवाल है, न्यूज में था, 4 बार ये आके बोला न्यूज में कि मुझसे, मुझे पढ़ लो, मेरे ऊपर सवाल पूछा जाएगा, हॉर्नबिल कहां कहां पाया जाता है, कितनी स्पीसीज आती हैं,
सब उस साल पढ़ के जाना था, सवाल पूछ दिया इजी। यहां पे बात समझ में आ रही है, जो स्पीसीज न्यूज में एक बार दो बार आता भी तो कोई बात थी, तीन बार चार बार आ रहा है न्यूज में, आपके दिमाग को, दिमाग की बत्ती जला रहा है कि नहीं मैं आऊंगा, पढ़ लो मेरा नाम आना है यहां पे। दैट्स इट। इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स आस्क्ड इन 2016। हॉर्न बिल इस बार भी न्यूज में है, मैंने अभी अक्टूबर में पढ़ा है आप लोगों को हॉर्न बिल। मैंने ये भी कहा था नारकोंडम हॉर्न बिल देख लीजिएगा, एंडेमिक है अंडमान निकोबार में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए 2016 का सेकंड क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज। अब आप बोलिएगा सर ये क्यों आया, ये इसलिए आया, देखिए ऐसे तो असम में फ्लड्स आते ही रहते हैं हर साल, ठीक है ये, लेकिन ये व्हाई वाज दिस आस्क्ड स्पेसिफिकली इन दैट ईयर, बिकॉज मेनी प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड इन दैट रीजन, प्रोजेक्ट्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यूपीएससी ने नोट किया उसको बकायदे। ब्रह्मपुत्रा यूपीएससी की फेवरेट नदी है, वो एक बार भी अगर न्यूज में आ गई वो यूपीएससी में गारंटीड आएगी पेपर में, क्योंकि वहां की ट्रिब्यूटरीज डिफिकल्ट है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है वहां की ट्रिब्यूटरीज, अच्छे से पढ़कर याद करके जाना। तो टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, क्या आप इस बार भी पढ़कर जाओगे ब्रह्मपुत्रा के बारे में, यार लुंग जांगबो ग्रेट बेंड, मैंने सब पढ़ा दिया इस बार, दिहांग दिबांग ट्रिब्यूटरीज का मैंने मैप दे दिया है आपको, और अगर अभी भी रेडी नहीं है आपका तो इंडिया ईयरबुक ओपन करना, इंडिया ईयरबुक ओपन करके चैप्टर टू चैप्टर वन जहां फिजिकल फीचर्स दिए होंगे उसमें ब्रह्मपुत्रा की सारी ट्रिब्यूटरीज दिया हुआ है, उससे अच्छा सोर्स कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, टेल मी। तो बस ब्रह्मपुत्रा इस बार इंपॉर्टेंट, इस बार भी इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको अभी बगजन ऑयल फील्ड न्यूज में था, टेल मी बगजन ऑयल फील्ड, उसके आसपास डिब्रू सैखोवा पार्क मैंने मार्क करवाया है, वहीं पे डिब्रू रिवर लोहित रिवर, बस अब क्या चाहिए आपको, यू शुड बी रेडी। डिब्रू सैखोवा के आसपास कौन सी नदियां बहती हैं, आगे अगले साल ये मत कहिएगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नदी आएगी तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से या लद्दाख से, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आएगा तो साउथ इंडिया से, स्पीसीज आएगा तो कोई नया स्पीसीज, दैट्स इट। ये देखिए 2016 का, 2016 खरई कैमल, ये तो डाउन टू अर्थ से आया था भाई, इसका तो इमेज, ये तो खुद ही इमेज में आ गया था, मींस फोटो छपा हुआ था खरई कैमल का, पूरा लंबा बटालियन जा रहा है, ठीक है, कच्छ में मार्शी बेल्ट्स में सलाइन मार्शेज में मैंग्रोव से फीड करता लिखा हुआ था बगल में, मैंग्रोव से फीड करता लिखा हुआ था, और बगल में एक किसान है, ठीक है, बगल में किसान क्या मीन्स एक एनिमल हस्बेंड्री जो कर रहा है, ठीक है, वो उस उन लोगों को ले जा रहा है बगल में। अब सवाल देखिए, सवाल देखिए, इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, पता नहीं भाई, नहीं पता है खरे क्या, पता नहीं कितना देर चलता है। इट इज इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स, ओके मैंग्रोव हो सकता है, एक और ऑप्शन, इट लिव्स इन द वाइल्ड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट ये, मैंने कहा यहां पे एक किसान लेके जा रहा है इन लोगों को, इट इज डोमेस्टिकेटेड इट इज नॉट इन द वाइल्ड, उसको डोमेस्टिकेट किया जाता है, एंड थ्री यानी थ्री स्टेटमेंट रॉन्ग है, थ्री जहां जहां डी ऑप्शन में भी थ्री था रॉन्ग, एलिमिनेट करके यही बचा, दैट्स इट। आप बताइए आसान नहीं है, डाउन टू अर्थ से अगर यूपीएससी सवाल पूछ रही है, फोटो उसका आर्टिकल भी नहीं पढ़ना, फोटो देखना है उसका, ठीक है, अपना फोटो देखते हैं आप लोग, एक बार खरई कैमल का फोटो देख लीजिए, ठीक है, उसका बस फोटो देखना है, बगल में वो किसान ले जा रहा है, बस ये देखना है, उसी बेसिस पे आप ये सवाल सॉल्व कर दीजिएगा, कितना बड़ा हिंट यूपीएससी ने दे दिया थर्ड पॉइंट डालकर, दैट्स इट। यूपीएससी अब बताइए, यूपीएससी क्या इतना भी टफ है, इतना भी टफ है कि वो ऑप्शंस में आपको हिंट नहीं दे रही है, वो हिंट दे रही है, वो बस इतना जान रही है कि जो दिमाग चलाएगा यहां पे वो निकल जाएगा, तो दिमाग चलाना पड़ेगा,
दिमाग बंद करके किताब के अंदर का रटा हुआ और याद करके वहां जाकर मार्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, फिर कहना अरे क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है मेरा। नहीं, थोड़ा दिमाग ओपन करना है। सारे तिकड़म वहां पे इस जगह पे, अगर क्वेश्चन से नहीं सॉल्व हो रहा है, सीधा ऑप्शन सॉल्व होगा। गॉट इट? क्लियर? अब ये देखिए आगे, मैंने इसी का एग्जांपल आज मॉर्निंग में दिया था, इसीलिए मैंने आज मैपिंग का सेशन रखा। रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना, बनाना प्लांट का नया स्पीसीज, अटेनिंग अ हाइट ऑफ अबाउट 11 मीटर्स एंड हैज ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प। संडे का द हिंदू, मैंने कहा ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, संडे के द हिंदू में जहां पे आज आया हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, वहीं पे ये न्यूज आया था आज से 4 साल पहले। क्लियर कट न्यूज, फोटो भी आया था साथ। किस पार्ट ऑफ इंडिया में डिस्कवर किया गया? आपने आज देखा, आज एक ईस्टर्न घाट्स का आया हुआ है पीसीज फ्लोरा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, लिखा हुआ था हेडिंग में, सब हेडिंग में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब क्या चाहिए, इससे ज्यादा हिंट चाहिए आपको? टेल मी। सेशन अभी चालू हुआ है ना, सेशन अभी 4:15 बजे चालू हुआ है, 45 मिनट्स, इससे ज्यादा आपको हिंट चाहिए यूपीएससी की तरफ से? मैं यहां फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो द हिंदू का है, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, नैनोटेक का बैकग्राउंड दे रहा हूं, पूरा इंडिया फॉरेन अफेयर्स, इंडिया नेबरिंग नेबरहुड पॉलिसी पढ़ा रहा हूं। और यूपीएससी क्या कर रहा है, कि कह रहा है कि बस हेडिंग पढ़ दो, उससे भी कभी कभी सवाल निकल जाएगा, दैट्स इट। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, विद रेफरेंस टू रेड सैंडल समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेड सैंडलवुड, एक साल ऐसा नहीं है 2015 से जब से ये क्वेश्चन, ये टॉपिक न्यूज में ना आया हो। स्मगलिंग के लिए आता है ये न्यूज हमेशा, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है वहां पे, ये ईस्टर्न घाट्स में, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में, इस साल भी न्यूज में आया, आपने देखा द हिंदू चेन्नई एडिशन। इसीलिए आई टेक अप न्यूज फ्रॉम द हिंदू चेन्नई एंड द हिंदू दिल्ली एडिशन, बोथ। यस यस, इट्स ओनली वन, ठीक है, मैं दोनों तरफ से उठाता हूं, क्योंकि द हिंदू चेन्नई एडिशन में कुछ लोकल आंध्रा और तमिलनाडु का न्यूज रहता है, और वहां से यूपीएससी सवाल पूछ देती है, ठीक है, लोकल न्यूज, वो भी किस चीज का, बायोस्फीयर रिजर्व्स का। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स, टेल मी, तीन कौन कौन से हैं यहां पे? पहला नीलगिरी, दूसरा अगस्त्य मलाई वेस्टर्न घाट्स में, और तीसरा शेषाचलम इन द ईस्टर्न घाट्स। मैं आपकी जगह पर रहूंगा, आज मैं जाके इसका नोट तैयार कर लूंगा, इन तीनों से कोई सवाल आएगा, कोई न्यूज आएगा, आई विल बी रेडी विद इट, दैट्स इट, दैट शुड बी द स्पिरिट। ये तो हिंट मिल रहा है आपको, ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अरे सिलेबस चेंज करने दीजिए, उसका भी एक तरीका होगा, टैकल कर लिया जाएगा उसको भी, क्या दिक्कत है। गॉट इट? लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। क्लास और 1 घंटे, 6 बजे तक है, ठीक है। ये देखिए, गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, 2014 में इसका, 2014 में इसके बारे में डिटेल आया द हिंदू में, ठीक है, 2014 या 15 की बात है। एंड बकायदे गाडगिल कमिटी, कस्तूरी रंगन पैनल, ऐसे ऐसे डिफरेंसेस मैंने नोट बनाए, बच्चों को दिए भी, सवाल पूछ दिया, ये इतना इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, यूपीएससी इतना भी टफ नहीं है, बात समझ में आ रही है, इतना भी टफ नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी के रिपोर्ट में डिफरेंसेस, स्टेटमेंट बेस्ड प्रीलिम्स में आ सकता है इस बार, रेडी रहिएगा, क्योंकि इस बार भी न्यूज आया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री, रिसेंटली का मतलब क्या होता है, करंट अफेयर्स, Which of the following states has declared a particular butterfly as state butterfly? अब समझ में आया आपको, रिसेंटली करंट अफेयर्स, अब इसमें तो कहीं बाहर जाना ही नहीं है, सीधे द हिंदू ओपन करना है, तीसरा पन्ना चेन्नई एडिशन आया हुआ था ये न्यूज, दैट्स इट, बस जैसे आज आया हुआ है ईस्टर्न घाट्स के ऊपर, दैट्स इट।
नेक्स्ट ये देखिए 2016 का, जैसे ही पता है जैसे ही इस तरह का कुछ इमेज दिखे आपको, ये दो तीन स्टेटमेंट दिखे एनवायरनमेंट के फील्ड से या ज्योग्राफी के फील्ड से, रेडी रहिएगा कि मुझे ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में हिंट रहेगा, दैट्स इट, ऑप्शन में हिंट रहेगा। जैसे ही ऐसा कुछ इमेज दिखे गो टू द ऑप्शंस, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन का टेक्निक रहेगा, दैट्स इट। ये देखिए यहां पे, ये बोध गया खजुराहो, इनका लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है, बोध गया बघेलखंड, रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला ही वन, पहला ही रॉन्ग हो गया, वन जहां जहां एलिमिनेट कीजिए। देखिए खजुराहो बुंदेलखंड ठीक है भाई, जिसका कहते हैं तिरुपति रायलसीमा ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे कर करके आपको यहां पे पुटअप करना है, क्लियर। शिरडी इन विदर्भ, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्लियर है। इस तरीके से आपको तुरंत ऑप्शन में जाना है। नेक्स्ट ये देखिए, रिसेंटली 2016 का ही सवाल, रिसेंटली विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज लिंक्ड, ये तो बस मत समझ लीजिए पहले पन्ने पे आया था, फर्स्ट पेज 2016, गोदावरी एंड कृष्णा, कहा गया था इसके बाद केन और बेटवा का लिंक होगा, केन बेटवा वाटर लिंक, गोदावरी कृष्णा के बाद केन बेटवा वाटर लिंक होगा, गोदावरी कृष्णा का इमेज छपा था वहां। कितना इजी क्वेश्चन, 8 सवाल आए थे 2016 में, 9 सवाल इंटू 2 मार्क्स, 18 मार्क्स। 2016 का कट ऑफ में आपका 18 नंबर ज्योग्राफी की मैपिंग दे रहा है, आप समझ लीजिए ये करंट अफेयर्स न्यूज 2016। लास्ट सवाल, रिसेंटली करंट अफेयर्स, कौन सा आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनेगा कौन से स्टेट में, करंट अफेयर्स फिर से द हिंदू, बस दैट्स इट। कितना इजी कर दिया यूपीएससी ने, रिसेंटली वर्ड का मतलब ही है कि आप पिछले 1 साल का देख लीजिए करंट अफेयर्स, यू आर डन विद इट, क्लियर क्लियर। अब ये देखिए यहां पे 2017 के क्वेश्चंस, ये देखिए ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में कौन सा लिंकिंग एरिया है, सत्यमंगलम, मैंने बताया अभी आपको, एक सवाल तो साउथ इंडिया से गारंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए चाबहार पोर्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट वर्ल्ड मैपिंग। अब चाबहार पोर्ट तो सबको याद हो जाएगा आप अगर करंट अफेयर्स का सेशन कीजिएगा तो, ईरान इंडिया रिलेशंस, दैट्स इट। चाबहार पोर्ट डेवलप करने का एम क्या था इंडिया का, चाबहार पोर्ट कहां पे है, ईरान में है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है उसके बगल में ही है, ठीक है, चाबहार पोर्ट से रोड कहां गया हुआ है, बस समझ लीजिए। अब देखिए कितना कितना मींस आपको केवल ईरान मार्क करना है, आपके पास ऑप्शन है, ये देखिए इंडिया ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज विल इंक्रीज, ये अफ्रीकन कंट्रीज ये क्या आ गया यार, कट। इंडियाज रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेंथन, अरब कंट्रीज रॉन्ग, ईरान अरब कंट्री नहीं है, ईरान पर्शिया है, अभी आप आईआर में पढ़ रहे हो, पहले तो रॉन्ग हो गए। इंडिया विल, ध्यान दीजिए डी ऑप्शन, पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ अ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया, ये तो डी वाला तो लग रहा है कि पता नहीं जुपिटर या प्लूटो से सवाल आया है ऑप्शन, ठीक है, गलत हो गया सी, पाकिस्तान वो हेल्प करेगा इंडिया को, क्या बात, वो भी इराक और इंडिया के बीच में, ईरान कहां चला गया, टेल मी ये क्या हो रहा है यार, ठीक है डी ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ए और बी रॉन्ग तो था ही, डी भी रॉन्ग हो गया, बचा गई देख लीजिए, मतलब समझ लीजिए क्या सिंपल लॉजिक, अरब कंट्रीज के साथ ईरान से रिश्ता जोड़कर कुछ फायदा नहीं होने वाला है, अरब कंट्रीज ईरान की दुश्मन है, उधर अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका कंट्रीज बोल रही है कि ये क्या कर दिया यार, हमारा नाम क्यों ले लिया वहां पे, कितने दूर है हम लोग लोकेटेड, ठीक है क्लियर। और ये जो डी ऑप्शन दिया, थोड़ा कंफ्यूजन होता भी तो इराक दे दिया यहां पर ईरान की जगह पर, ईरान बोल रहा है यार मेरा नाम ही गायब कर दिया यहां पर, ऑप्शन में कितनी जगहों पे हिंट देता है यूपीएससी कि सही मार्क कर लो, केवल ईरान में है इसी से आप इंपॉर्टेंस बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 2017 का सवाल, विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिवर तीस्ता
सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज रिवर ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम तीस्ता रिवर इंडिया बांग्लादेश। अगर किसी ने कुछ जानता भी नहीं है उसे इतना पता है तीस्ता तीस्ता बे ऑफ बंगाल में जाकर नहीं मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, अब ये पहला वाला मान लीजिए मुझे नहीं पता है। सेकंड, रिवर रंगीट ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, ये भी नहीं पता है। तीसरा ऑप्शन, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, ये कैसा, बे ऑफ बंगाल फ्लो नहीं करती है। अब तीन ऑप्शन रॉन्ग, डी ऑप्शन में भी यहां था 1, 2 एंड 3, तीन रॉन्ग, बचा क्या देख लीजिए, आप देख रहे हैं एलिमिनेट। देखते ही सवाल लगा यार, टफ सवाल आ गया, रिवर तीस्ता पे आ गया यार, पता नहीं कहां से निकल रही है कहां जा रही है, ट्रिब्यूटरी क्या, पता नहीं क्या सवाल पूछ दिया, और फिर जब ऑप्शन देखा सब समझ में आ गया। ठीक है, गॉट इट, एलिमिनेशन मेथड, इट्स क्वाइट इजी एग्जामिनेशन, यू मस्ट नो द अप्रोच एंड वे आउट। वो रट के जाना वहां पे बंद दिमाग से सॉल्व करना नहीं नहीं चाहिए। दिस इज द रीजन व्हाई आई टेल बी अ ओपन माइंडेड पर्सन, बी अ लिबरल पर्सन। ठीक है, ओपन माइंडेड, इतना भी यूपीएससी टफ नहीं है, हाइप बना के रखे हुए हैं। एग्जाम हॉल में जाके आप खुद से बाहर होते हैं, अगर आपकी तैयारी है तो, तैयारी है और बाहर हो रहे हैं आप खुद से हो रहे हैं, लेट मी टेल यू, गॉट इट। रश्मि ठीक है, मैं बस इतना मैंने कहा कि अगर फर्स्ट टू नहीं पता है ओनली थर्ड के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा, दैट्स इट। मैं ज्योग्राफी नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड के बच्चा लोगों के लिए बोल रहा हूं कि केवल तीसरा स्टेटमेंट पता है, दैट्स इट, सफिशियंट। ये देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब देखिए इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं है लेकिन इसका जो पहला तो स्टेटमेंट है खुद में ही गलत है। देखिए, हिमालयन स्टेट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, रॉन्ग रॉन्ग, 10 स्टेट्स कम से कम, 5 स्टेट तो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएंगे, अरुणाचल, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब के सब वहां पे, इधर में हिमाचल, उत्तराखंड, गलत हो गया यार। वेस्टर्न घाट्स आर ओवर 5 स्टेट्स ओनली, गुजरात से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 6 स्टेट्स, लेकिन इसने ट्रैप डाला था। कितने लोग गोवा मिस कर जाते हैं, मैं बता दूं आपको, गोवा मिस कर जाते हैं, बड़े स्टेट्स याद रहते हैं, गोवा मिस हो जाता है बीच में, छोटा सा स्टेट है, ठीक है, गायब हो गया आपके दिमाग से, गॉट इट। तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, बस खत्म करते जाइए, खत्म करते जाइए खुशी से ये सारे ऑप्शन, हो गया। मुझे तीसरा वाला देखने की जरूरत नहीं है कि वो वाकई में वो कितने, ये तो है पोलिकट लेक इज इन 2 स्टेट्स, ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं बोल रहा हूं एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, 2017 का सवाल, ग्रेट निकोबार के पास आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया दिया हुआ है, कुछ रीजन है क्या, यस यस यस, ये वही साल था जब इंडोनेशिया के नॉर्थ में, सुमात्रा आइलैंड के नॉर्थ में सबांग एक जगह है, न्यूज में आया था, 2017 का ही सवाल इजी नहीं, 2020 का भी सवाल इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करके जाओगे ना, 2020 के 4 सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, आप इजीली कर दोगे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर। अब ये सुमात्रा के नॉर्थ में सबांग सीपोर्ट है, उसको इंडिया ने टेक ओवर, इंडिया ने लिया था इंडोनेशिया से, मींस नेवी का इंस्टॉलेशन वहां आ रहा है इंडिया का, सबांग सुमात्रा के नॉर्थ में, और वहीं पे मैप में द हिंदू में आया था, ग्रेट निकोबार आइलैंड के साउथ में, बस इजी। ऐसे भी अगर न्यूज नहीं पढ़ते हैं आप तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, आई होप यू आर गेटिंग इट, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जानते हैं इसके बारे में,
उसके जस्ट साउथ में ये सुमात्रा आइलैंड लोकेटेड है, दैट्स इट। 2017 के सवाल इजी थे, तभी तो कट ऑफ हाई गया था, कट ऑफ हाई गया था। द कट ऑफ वॉज 112 मार्क्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 112 नंबर था कट ऑफ। यस, इस बार सेंटिनल्स आया हुआ है ना, सेंटिनलीज आया हुआ है। आइलैंड कहां पे है, कौन से आइलैंड के नजदीक में, न्यूज पे पकड़ रहेगी ना आपकी, मैपिंग का एक सवाल मिस नहीं होगा। और न्यूज पे पकड़ का मतलब क्या, मेरे सेशन फॉलो कीजिएगा तो, क्योंकि बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा वहां पे। नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, चैनल्स के नेम्स, सेंटिनल्स कहां पे हैं, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, रिसेंटली 2017 रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट इनटू इन गुजरात, गुजरात से एशियाटिक लायन, वही जो राजकोट में आ जा रहा है सब ट्रैफिक सिग्नल के आसपास। कह रहा है भाई कि हमें हमें भी जगह चाहिए, सड़क क्रॉस करना है हमें भी आपके साथ में ही। आप स्कूटी पे हैं, आप कार में हैं, बगल में एशियाटिक लायन है, जगह कम पड़ रही है। यस ठीक है, तो ये इनको शिफ्ट करने की बात आई थी, रिसेंटली वर्ड केम अप, क्योंकि उस समय न्यूज में आया था कुनो पालपुर सेंचुरी एमपी में शिफ्ट किया जा रहा था। आप बोलिएगा सर ये अगर ये नहीं पता रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये नहीं पता है तो, मान लीजिए अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो एक और तरीका है सॉल्व करने का इसे। एशियाटिक लायंस ग्रासलैंड्स में रहते हैं, ग्रासलैंड्स, आपको ग्रासलैंड्स पता है टेल मी, और फॉरेस्ट, ठीक है फॉरेस्ट पता है टेल मी। स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ना क्या दिक्कत है, स्टार्ट कीजिए वॉच करना, ठीक है। ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में फर्क पता है, बस इतना जानना है, क्योंकि बाकी बाकी सारे जितने जिस क्या कहते हैं, बाकी सारे जो हैं उसमें या तो प्योर फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट प्लस ग्रासलैंड्स है। केवल एक जगह केवल ग्रासलैंड्स है, कुनोपालपुर में नॉर्थ एमपी में, ये पूरा ग्रासलैंड बेल्ट है। ग्रासलैंड का एनिमल ग्रासलैंड में जाएगा ना, यस, कॉर्बेट में नहीं जाएगा, फॉरेस्ट में, वहां टाइगर जाएगा, फॉरेस्ट का एनिमल। मुदुमलई में नहीं जाएगा, वहां टाइगर जाएगा। सरिस्का, सरिस्का इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट, वहां भी नहीं जाएगा। सेकंड तरीका आंसर करने का, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि बेसिकली एशियाटिक लायन को ऐसी जगह शिफ्ट किया गया, अब सरिस्का बोले सर सरिस्का क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी जगह शिफ्ट किया जा रहा था जहां पे, ये थर्ड तरीका है सरिस्का को एलिमिनेट करने का, जहां पे उसकी तरह कोई एपेक्स कार्निवोर ना हो, और हमें इतना पता है कि सरिस्का में टाइगर्स हैं, तो उसे वहां ले जाया जाएगा जहां पे एपेक्स कार्निवोर में कंपटीशन कम हो, कुनोपालपुर। सरिस्का नहीं जाएगा, टाइगर कहेगा ये मेरा रिजर्व एरिया है, यहां नहीं आने का, जाओ यहां से हटो, ठीक है क्लियर। सरिस्का राजस्थान में है, ठीक है, मिक्स मिक्स्ड वहां पे वेजिटेशन है उस जगह पे, तो टाइगर कहेगा साइड हटो, मेरे यहां नहीं आना है। एपेक्स कार्निवोर यहां पे एक ही रहेगा, राजा यहां पे एक ही है। लैन भी कहेगा हाँ भाई राजा एक ही है, मैं जा रहा हूं कुनोपालपुर। क्लियर। 2018 के क्वेश्चंस, आर्टिफिशियल लेक, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आया था, ठीक है। लेक्स पे सवाल ध्यान दीजिएगा, पुलिकट लेक पे आया था। ये आउट ऑफ द बॉक्स मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बार आपको वेटलैंड्स रामसार जानते हैं ना, उसका उसका बस लोकेशन मैंने आपको अभी होमवर्क दिया था, कौन से स्टेट का हाईएस्ट नंबर है, नंबर याद नहीं करना था, वहां पे आपको देखना था कौन कौन से नेम्स है वहां पे, बस। अगर रामसार साइट्स आपको याद है उसके बाहर वेटलैंड्स या लेक्स नहीं पूछा जाता है, ठीक है, गॉट इट क्लियर। एंड यहां पे इस जगह पे सेकेंड पॉइंट यहां देख लीजिए, द रिमेनिंग लेक्स रेणुका लेक इन हिमाचल प्रदेश, नैनीताल लेकिन उत्तराखंड एंड कोलेरू लेक इन आंध्रा, ऑल थ्री आर नेचुरल लेक्स। इतना मैं बता दूं आपको, नैनीताल, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगा, नैनीताल वहां पे ताल का मतलब क्या होता है, कैसे बने हैं, ठीक है। सेकंड, रेणुका लेक एक बड़ा वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश का। कोलेरू लेक एक बहुत न्यूज में रहता है, कोलेरू लेक हमेशा आंध्र प्रदेश में, यस, कृष्णा गोदावरी रिवर के बीच में, क्लियर है टर्मी।
आगे देखिए, तो दो तरीके सॉल्व कर रहे हैं आप, आगे देखिए, यानी यहां पे इस बार रामसार वेटलैंड्स आप पढ़ के चले जाइएगा, ऐसा सवाल इस बार निकल सकता है। रेणुका लेक न्यूज में चल रहा है पिछले साल से। नेक्स्ट, 2018 पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, न्यूज में था, इसको कोई प्राइज दिया गया था, प्राइज दिया गया था, बड़े बड़े शब्दों में द हिंदू में आया था। अब द हिंदू बड़े बड़े शब्दों में दे रहा है, यूपीएससी एक सवाल नहीं दे सकता है? बिल्कुल देगा। पक्के टाइगर रिजर्व, उसकी पूरी हिस्ट्री छपी थी पखुई सेंचुरी की, कहां छपी थी? द हिंदू में। क्लियर, गॉट इट? इस बार वेटलैंड्स आएंगे, यहां देखिए, दिस इसका आंसर कोड़ाई कनाल है, तमिलनाडु, ठीक है, दिस वन। क्लियर, और मैं बता दूं आपको, इस बार इंडिया ने जो वेटलैंड्स का रिपोर्ट निकाला, उसमें रेणुका लेक का इमेज छपा हुआ है, मैं बता दूं आपको, आ सकता है, ठीक है। तो पखुई सेंचुरी, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, वेलकम, इट वाज इन न्यूज, इट वाज इन न्यूज, किसी भी जगह पे आप देखते हैं वो न्यूज में था उस जगह, हाँ न्यूज में था। न्यूज में क्या लिखा था? पखुई सेंचुरी गॉट द प्राइज इन दिस फील्ड, आप उसको पढ़ के चले गए, आपने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे है, क्यों फेमस है, वहां हॉर्नबिल भी है और टाइगर भी है, ना आपने हॉर्नबिल पढ़ा ना टाइगर पढ़ा, आपने अरुणाचल प्रदेश भी नहीं पढ़ा, आप चले गए, इसको प्राइज मिला है भाई, सवाल ऐसे आएगा जैसे आता है बाकी एग्जाम्स में, ठीक है, किसे प्राइज दिया गया? चार ऑप्शन, रॉन्ग, तरीका ही रॉन्ग है आपका पढ़ने का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ मैगजीन्स, विच आर द फॉलोइंग लेक्स हैव श्रंक अप इन द रिसेंट पास्ट? अरल सी, ब्लैक सी, लेक बैकाल। लेक बैकाल अभी आ रहा है न्यूज में, श्रिंक कर रहा है, अरल सी आया था उस समय, श्रिंक कर गया था, डाउन टू अर्थ ने बड़ा सा फोटो दिया था सेटेलाइट इमेज 2017 में, और ये आ गया क्वेश्चन 2018 में, दैट्स इट। मैंने पढ़ा भी दिया आप लोगों, पिछले 4 साल का न्यूज, 5 साल का, जितना याद है मुझे, 8 साल का, जितना याद है मैं पढ़ाता चलता हूं साथ, आपने देखा होगा, मैंने कहा था अरल सी के बाद नंबर है डेड सी का, डेड सी, लेक चाद, डेड सी एशिया में, लेक चाद अफ्रीका में खत्म होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 2018 बैरन आइलैंड एरप्शन, जनवरी में शायद एरप्ट किया था, सवाल पूछ दिया, सवाल यहां पूछ दिया, द बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, ठीक है भाई, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार सबसे सदर्न मोस्ट टिप, उसके ईस्ट में, बिल्कुल देखिए हिंट मिल रहा है आपको, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, और 2018 में एरप्ट किया, यू कैन वेरी वेल इमेजिन, गॉट इट? मैं बस ये बोल रहा हूं, न्यूज पे पकड़ रहेगी, उसका बैकग्राउंड पकड़ लीजिएगा, आप सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए यहां लिखा हुआ है, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वॉज इन 1991, इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव, नहीं, 2018 में न्यूज में आया था, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, ये तो भाई मैं बता दूं, कौन सा न्यूज़पेपर नहीं था जो उस साल इसने कवर नहीं किया था, व्हाट इज सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, क्या स्टक हो गया है क्या? मजा आ रहा है? टेल मी स्टूडेंट्स, सेशन सही लग रहा है? टेल मी, ये देखिए सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, सिंपल क्वेश्चन, आपको लगेगा ये टेंशन हो जाएगा ये ऑप्शन देखकर, जितना ऑप्शन बढ़ा ना उतना इजी, उतना इजी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के कारण ये एक्सटिंक्शन हो रहा था, बस दैट्स इट, इसीलिए ये न्यूज में आया था, ठीक है, बस
ये एनवायरनमेंट का है, यहाँ पे गलती से आ गया, लेकिन चलिए ठीक है। ये देखिए 2018 प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा प्लांट न्यूज में क्यों है। अब आप बोलेगा सर ये मैपिंग का कहाँ से सवाल है, मैपिंग का नहीं, एग्री करते हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ मैगजीन में आया था दैट कच्छ के ऊपर सीड्स डाले गए थे इसके, एरियल्स एरियल मीन्स एरोप्लेन से सीड्स डाले गए थे इसके कच्छ के सलाइन मार्शेस को ठीक करने के लिए, जस्ट सलाइन मार्शेस के नॉर्थ का रीजन, वेस्टलैंड को कन्वर्ट करने के लिए। और ये इसने वहां पे कन्वर्ट तो कर दिया, वेस्टलैंड को पूरा कैप्चर कर लिया इसने, ठीक है। ये जहां पे हुआ वहां पे उसने खत्म कर दिया पुरानी बायोडायवर्सिटी। इमेज आया था इसका जैसे सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, याद है शोला ग्रासलैंड्स, सेन्ना स्पेक्टेबिलिस। एंड यस आई रिसेंटली सॉ सेन्ना स्पेक्टेबिलिस इन माय सोसाइटी, येलो फ्लावर्स बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तब मुझे लगा अच्छा यही भी लेन है, यही भी लेन है जो बायोडायवर्सिटी डिप्लीट कर रहा है शोला ग्रासलैंड्स में, ठीक है। मीन्स थोड़ा रिलेट हो गया अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि पुणे में भाई सेन्ना स्पेक्टेबिलिस है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, सेम डाउन टू अर्थ मैगजीन। डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर आर्टिकल भी नहीं देखना है, इमेज था भाई, इमेज देखना तो बनता है ना, ठीक है। अपना सेल्फी देखते हैं, आप लोग सेल्फी लेते भी हैं, तो इमेज देख लीजिए डाउन टू अर्थ में, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैंने एक चीज देखा है, सारी हाउसिंग सोसाइटीज में दे आर गोइंग फॉर दोज ट्रीज विच रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस। आई होप यू आर गेटिंग इट। बस ये देखिए हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स, अरे इसका तो बिल्कुल दो बार न्यूज, द हिंदू, किसी ने ग्रुप पे पूछा था मेरे से, मैंने पुट किया था द हिंदू का न्यूज 2018 का मार्च का न्यूज आया था द हिंदू, सैंड माइनिंग चल रहा है तमिलनाडु में और उसका असर क्या पड़ रहा है। असर ऐसे भी उसमें लिखा हुआ था, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल उसने लिखा हुआ था उसमें। सैलिनिटी ऐसे भी अलग चीज होती है, सैलिनिटी इन द रिवर, इसको एक और तरीका सॉल्व करने का, कॉमन सेंस, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। रिवर में सैलिनिटी मेजर हुआ है क्या आज तक? नहीं मेजर हुआ है। ओशन की सैलिनिटी मेजरेबल है, इसकी सैलिनिटी मेजर हुई है? यहां तो फ्रेश वाटर होता है, सैंड माइनिंग से सैलिनिटी डिक्रीज कर गई, सुनने में तो नहीं आया। वन इज रॉन्ग, बात समझ में आ रही है? टेल मी स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? क्लियर है स्क्रीन या नहीं बताइए मुझे, रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, 480 कर दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक सवाल पता है, मैं आपको आज एक हिंट भी दे रहा हूं स्टूडेंट, प्रीलिम्स का सवाल, प्रीलिम्स का पेपर का ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करना है, इसीलिए एक सवाल को सॉल्व करने के दो दो तीन तीन तरीके निकालो, दिमाग लगाओ, दिमाग है ना, दिमाग तो होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो दो तरीके, मिनिमम इतना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन ये देखिए, हिमालयन नेटल, डाउन टू अर्थ डिटेल्ड आर्टिकल, फिर से कुछ नहीं करना था आपको, केवल आपको इसका इमेज देखना था और हेडिंग और सब हेडिंग। अभी हिमालयन ट्रिलियम न्यूज में आया है, टर्मी हिमालयन ट्रिलियम न्यूज में आया है द हिंदू में लास्ट वीक संडे को, मैंने बताया है उसमें आप लोगों को उसके यूजेस, उसका क्यों नंबर्स कम हो रहे, मैंने बताया है, वहां से सवाल आएगा, डोंट बी सरप्राइज्ड। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल मीन्स स्टूडेंट्स, वाटर टेबल की लोअरिंग का मतलब होता है कि ग्राउंड टेबल जो है, ठीक है, जिसके कहते हैं जो नीचे का पानी है उसका लेवल नीचे चला जाए, कुएं आप डिग कर रहे हैं आपको पानी नहीं मिल रहा है, गॉट इट। नेक्स्ट हैव अ लुक आउट हियर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। थोड़ा टफ था लेकिन टफ नहीं था,
अगर लोकेशन याद रहता तो, बायोस्फीयर रिजर्व्स का तो, बायोस्फीयर रिजर्व्स बस हिमालयन बेल्ट में, यहां पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, यहां पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में पढ़ा है मानस नेशनल पार्क के अंदर ग्रासलैंड्स भी हैं। कहां पे? ये असम भूटान बॉर्डर, लोकेशन देखना है। नाम दफा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश, असम ईस्ट में, पूरा कंप्लीट ईस्ट में। और नंदा देवी, नंदा देवी सबसे नॉर्थ में लिपु लेक के पास में, लिपु लेक माउंटेन पास के पास में है, और उसके अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। आर यू गेटिंग इट? डाउन टू अर्थ तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, डाउन टू अर्थ मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और पुराने एडिशंस का शॉर्ट नोट तैयार होके आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएगा, डोंट वरी। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अभी लेने वाला हूं इसी वीक में, द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिसंबर, डोंट वरी। नेक्स्ट, ये न्यूज 2019 का और इजी है, ये देखिए। कौन सा वाइल्ड लाइफ कहां पाया जाता है? ब्लू फील्ड महसीर, रस्टी स्पॉटेड कैट, एरावदी डॉल्फिन। मैंने ये पढ़ाया था आपको लास्ट वीक ऐप पर। इसको सॉल्व कैसे करना है? एलिमिनेशन टेक्निक। हमें ब्लू फील्ड महसीर और रस्टी स्पॉटेड कैट नहीं पता है, पढ़ा ही नहीं है यार। इरावदी डॉल्फिन न्यूज में थी और वो पाई जाती है समुद्र में, सी में, रिवर में नहीं। और कहां दिया हुआ है? चंबल रिवर, नेचुरली फाउंड। रॉन्ग, टू इज रॉन्ग। अब टू जहां जहां पे रॉन्ग कर दीजिए, ये देखिए, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। टेलीग्राम ग्रुप का नाम कोई पुटअप कर दो अभी, unacademy_anurag_singh, उस पर जुड़ जाइए, वहां से एक आंसर प्रैक्टिस ग्रुप है, वहां पे आ जाइए, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, मैंने ये भी सवाल सॉल्व किया था आप लोगों के साथ में ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर क्लास में। मैंने कहा था हम्पी सिटी, फेमस प्लेस, इज ऑन तुंग भद्रा रिवर, विजयनगर एम्पायर, हिस्ट्री से मिल रहा है आपको लिंक यहां पे। बस ये रॉन्ग है, थर्ड वन इज रॉन्ग, उसी से आप एलिमिनेट कर दीजिए। This is the correct answer, that's it. Alpine zone का मतलब होता है जहां पे स्नो लाइन होता है, स्नो कवर्ड बेल्ट, ठीक है। स्नो लाइन 3500 मीटर के ऊपर होता है, 3500 to 3800 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। एल्पाइन मतलब पूरा ढका हुआ बर्फ से, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये भी मैंने सवाल सॉल्व किया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एशियाटिक लायन इज फाउंड इन इंडिया ओनली, नेचुरली। ये देखिए वर्ड नेचुरली, डबल हम्प्ड कैमल इज फाउंड इन इंडिया ओनली, नेचुरली। वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया, नेचुरली ओनली। वन हॉर्न राइनो मैंने आपको बताया, हर साल आपको मैं बताऊंगा, जब भी जो लोग तैयारी करेंगे जिस साल, मैं बताऊंगा राइनोसेरस मैमल है, माइग्रेट करता है, पूछ के नहीं जाएगा आपसे, बिना पूछे जाएगा माइग्रेट करने। उसका मन कहेगा तो नेपाल जाएगा, भूटान जाएगा, सिक्किम जाएगा, फिर चाइना तिब्बत चला जाएगा। वो कहेगा तुम लोगों के बीच में फाइट चल रहा है, मेरे लिए सारा रीजन ठीक है, ठीक है। गॉट इट? वैसे डबल हम्प्ड कैमल, डबल हम्प्ड कैमल पता है कहां पाया था? कोल्ड डेजर्ट्स में, कोल्ड डेजर्ट्स का ये क्या कहते हैं एनिमल है। और लद्दाख में, लद्दाख में पाया था, लद्दाख का, लद्दाख में ये है, फोटो समेत आया था, शायद इंडियन एक्सप्रेस पेपर में आया था, लद्दाख के ट्राइब्स के ऊपर। इट वॉज इन 2018 दिस न्यूज केम अप, वो कैमल का भी वहां पे डबल हम्प्ड, ठीक है, दो बार उसकी पीठ पे, ठीक है, मीन्स डबल हम्प अपॉन द कैमल, दैट्स इट। वो कोल्ड डेजर्ट का एनिमल, सिंगल हम्प्ड कैमल इज इन द हॉट डेजर्ट, दैट्स इट। अब लद्दाख में पाया जाएगा तो क्या इंडिया में केवल पाया जाएगा? टेल मी, नहीं, पूरा लद्दाख से तिब्बत, तिब्बत से मंगोलिया, मंगोलिया से चाइना, सब जगह जाता है, चाइना भी जाएगा, ठीक है, मंगोलिया भी जाएगा। कोल्ड डेजर्ट जहां जाए वहां जाएगा, जहां जहां बारिश नहीं हो रही है, ठंडा प्रदेश है, जाएगा वहां पे, बस हो गया यहां पे। ऐसे भी वन हम्प्ड कैमल भी, सिंगल हम्प्ड कैमल क्या केवल इंडिया में पाया जाएगा? नहीं,
बाय डिफॉल्ट एक कॉमन सेंस है, ठीक है। केवल खरई कैमल पाया जाएगा, खरई कैमल पर्टिकुलर स्पीसीज स्पेसिफिक न्यूज में था। और एशियाटिक लायन तो भाई फेमस है, नाम क्यों आता है एक ही जगह पे, राजकोट, राजकोट एंड राजकोट के ट्रैफिक सिग्नल पे पाया जाता है, ठीक है। जस्ट जोकिंग, ठीक है। गिर फॉरेस्ट, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग, दैट्स इट, बस समझ लीजिए। और ये अगस्त्य मलाई वाला मैंने आपको मार्क करवाया है। अब बताइए स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, ठीक है, टेल मी वन थिंग, क्या कुछ हिंट मिल रहा है? सवाल कैसे आ रहे हैं? या तो करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, या वेस्ट एशिया से आ रहे हैं, या सी से आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग फोकस एरियाज, करंट अफेयर्स, प्लेसेस इन न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लेस न्यूज में है वो आएगा। इस बार न्यूज में है कौन सा बेल्ट? टिग्रे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, टिग्रे सुना है आपने? टेल मी, गॉट इट। इसके अलावा वेस्ट एशिया मैपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट तो है भाई, लेकिन पूरा सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। सुवादीप, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मैपिंग मैंने अभी बताया आपको। वेस्ट एशिया क्यों? रेड सी। वेस्ट एशिया क्यों? कैस्पियन सी। वेस्ट एशिया क्यों? ब्लैक सी। मैंने टर्की का मार्क करवाया था। तुर्की इज द ओनली कंट्री हैविंग अ कोस्ट ऑन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, पढ़ दीजिएगा। टिग्रे न्यूज में है, साइप्रस न्यूज में है, अब क्या चाहिए आपको? आपको तो हिंट मिल रहा है, एक सवाल यहां से आने वाला है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, साउथ ईस्ट एशिया में साउथ चाइना सी मैपिंग मैंने आज बता दिया आपको। जावा सी, सिलिबी सी, सुलू सी, ठीक है, साउथ चाइना सी, स्टेट ऑफ मलक्का, वो पूरा बेल्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या वो पढ़ोगे आप लोग आज? टेल मी, क्या वो पढ़ोगे आप लोग? टेल मी, ठीक है। दिस इज द साउथ चाइना सी बेल्ट आपको पढ़ना है। ताइवान स्ट्रेट, यस। नेक्स्ट, अफ्रीका गोइंग टू बी अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन फ्यूचर। अफ्रीका क्रिटिकल कंपोनेंट फ्यूचर में, बिल्कुल ठीक है। ये मोरक्को के आसपास का बेल्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सबसे ज्यादा बड़ा कंपोनेंट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। साहेल बेल्ट। नेक्स्ट, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, इसमें क्या देखना है? जिनमें 20 से कम मेंबर हैं, G20, G8, G4, G7, वहां सवाल आएगा, दैट्स इट। इस चीज को लेकर, मेंबर्स को लेकर, मेंबर्स को, अरब लीग, OIC, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, विच कंट्रीज ऑफ अरब लीग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन आर आउटसाइड दिस बेल्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट, कोस्ट एंड सीज इन यूरोप, इंपॉर्टेंट, एंड एशिया, यही ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी एंड बाल्टिक सी फॉर दिस ईयर। क्या वर्ल्ड मैपिंग इतना भी टफ है? इतना भी टफ है मुझे बताइए। और अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा ना, तो मेरा अगला फोकस रहेगा इसके अलावा कैरिबियन सी, वही जहां पे केमेन आइलैंड्स हैं, वही जहां पे पहले नीरव मोदी भाग कर गया था, या विजय माल्या, एंटीगुआ, बारबाडोस, क्यूबा बेल्ट, कैरिबियन सी जरूर देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया मैपिंग। इंडिया मैपिंग में तो आपको गारंटीड पता चल गया क्या क्या देखना है। साउथ इंडिया का प्रोटेक्टेड एरियाज, ये तो तैयार कर लेना है, आज ही जाके तैयार करना है, विकीपीडिया से तैयार करना है, करिए। आपको प्रोटेक्टेड एरियाज, नीलगिरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्य मलाई, शेषाचलम, दैट्स इट। यस, WTO एंड IMF, यस, इंडियन वो इकोनॉमी के पोर्शन में है न्यूज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट, फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, किस चीज में? रिवर्स एंड लेक्स, दैट्स इट, रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट। और एंड साउथ इंडिया एज वेल, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और लद्दाख, इंपॉर्टेंट हो गया है, बिल्कुल। बॉर्डर पे रीजन या दक्षिण इंडिया, दक्षिण भारत, इट मीन्स इधर द बॉर्डर रीजन और साउथ इंडिया आर इंपॉर्टेंट फॉर मैपिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट, अलाइनमेंट ऑफ सिटीज लैटिट्यूड वाइज एज वेल एज लॉन्गिट्यूड वाइज। सिटीज मीन्स कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स,
मैंने कहा ना एक मैप आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा, एक मैप आपको बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैप देखना है, एक साथ तीन चार सिटीज इंडिया के, ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, शिमला, ठीक है, या भोपाल, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है ना। फर्स्ट डे ये देखिए, सेकेंड डे जयपुर, लखनऊ, पटना, ऊपर से नीचे, ठीक है। ये स्लाइड देखिए दिखा दिया, मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हैं आप लोग, ग्रुप पे आइए, मैं पोस्ट कर दूंगा, चिंता मत कीजिए बस, ठीक है, क्लियर। भाई देखिए, अगर मुझसे आप पूछेगा कि क्या सर आपके माइंड में क्या इमेज बन रहा है इस पूरे सेशन का, मेरे माइंड में इमेज बन रहा है साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लद्दाख, उत्तराखंड बेल्ट, ठीक है, नेक्स्ट पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, कैरिबियन आइलैंड्स, कैरिबियन आइलैंड्स, और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? यहां से छह सात सवाल आएंगे तो छह में पांच सवाल यहीं से आएगा, मैपिंग, मैपिंग का जीएस में, मेंस में वैल्यू एडिशन, ये देखिए, देखिए यहां पे क्रॉस बॉर्डर, देखिए 2019 का सवाल है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी कौन से जीएस के पेपर में आता है, टेल मी स्टूडेंट्स, कौन से जीएस के पेपर में आता है बताइए मुझे, टेल मी, GS3 में आता है, पक्का है, टेल मी। चलिए भाई, इतना तो पक्का है, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है, इतना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो आप बताइए, थोड़ा तो सवाल पढ़िएगा, सवाल पढ़कर और फिर देखते हैं मैपिंग की जरूरत है भी या नहीं। एक सवाल हर साल इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसा आता है जिसमें मैप बनाना मैंडेटरी है। हैव अ लुक, क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द पोलिसिंग ऑफ द बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगेन, यहां बॉर्डर, यहां बॉर्डर, ये बॉर्डर मूवी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, बॉर्डर की बात हो रही है इंडिया एंड रिमेनिंग कंट्रीज, ठीक है। एग्जामिन द वेरियस चैलेंजेस करेंटली इमनेटिंग अक्रॉस इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर द चैलेंजेस। तीन जगह आ गया बॉर्डर शब्द, क्या यूपीएससी कुछ डिमांड कर रही है, टेल मी, क्या यूपीएससी कुछ डिमांड कर रही है, क्या यूपीएससी डिमांड कर रही है यहां पे इंडिया म्यांमार बाउंड्री बनाना पड़ेगा आपको, यस, उस बॉर्डर में क्या परेशानियां दिखानी पड़ेंगी, यस, माउंटेन्स है, पूर्वांचल माउंटेन्स, पटकई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, वहां रिवर्स हैं, यस, डेंस फॉरेस्ट है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो, इंडो बर्मा बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे बताओगे, 45। आर यू गेटिंग इट, चैलेंजेस करेंटली इमिनेटिंग अक्रॉस इंडिया म्यांमार बॉर्डर, बनाना पड़ेगा बॉर्डर का मैप, और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं बनाना पड़ेगा, बिना मैप के 15 नंबर में 5 नंबर मिलेंगे इस सवाल में, मैं अभी लिख के दे रहा हूं, इससे ऊपर नहीं मिलने वाला है, इट्स आस्किंग फॉर द मैप, क्या पूरे इंडिया का मैप, नहीं, केवल अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप बन रहा है, सिक्किम से बना दीजिए ऐसे करके, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, चिकन नेक कॉरिडोर यहां पे, ठीक है, क्लियर, इंडिया मैपिंग देख लीजिए, देखिए दिस क्वेश्चन वॉज बेस्ड अपॉन मैप ओनली, मैप सवाल, मैंने कहा ना सवाल समझिए पहले, वो सवाल ये बोल रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बॉर्डर,
इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के चैलेंजेस, वो डिमांड कर रहा है, डिमांड कर रहा है मैप। अब ऐसे सवाल में बिना मैप के 5 नंबर, मैप के साथ सेम कंटेंट 12 नंबर, 10 नंबर, क्योंकि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैप बनाना सिखा दे रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है। सेकंड देखिए, यहां पे 2017 का सवाल, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फेस्टेड विथ इंसर्जेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नॉर्थ ईस्ट रीजन वर्ड, यहां क्या वर्ड आया था, यहां क्या वर्ड आया, क्या ये दोनों वर्ड्स ज्योग्राफिकल हैं? टेल मी, एनालाइज द मेजर रीजंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस। कुछ समझ में आ रहा है टेल मी, कुछ समझ में आ रहा है टेल मी? रीजन वर्ड आया, बॉर्डर वर्ड आया, मैप बनाना अनिवार्य है, दोनों ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं। दस नंबर का सवाल, दो आएगा बिना मैप के, मैप बनाना जरूरी है। रीजन मींस मैप, रीजन दे रहा है वो, आप मैप नहीं बना रहे, वो ये बता रहे हैं आप कि आपको इंग्लिश या हिंदी पढ़ने नहीं आती है, या आप ये बता रहे हो कि तुम कुछ भी पूछो मैं तो लिखूंगा इतना ही, मैं मैप नहीं बनाऊंगा, तुम क्या कर लोगे मेरा? एग्जामिनर कहेगा अभी क्या कर लोगे, मैं बताता हूं तुम्हें, फिर मार्क्स मिलेगा आपको। आर यू गेटिंग इट? ये देखिए थर्ड, बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बॉर्डर मैनेजमेंट 2016 का सवाल, इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन। टेरेन का मतलब क्या होता है? सरफेस एंड हॉस्टाइल रिलेशंस विद सम कंट्रीज, एलुसिडेट द चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर, टेरेन, ज्योग्राफिकल वर्ड्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप बना, आपको यहां बनाना भी है मैप जम्मू कश्मीर का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और साथ में यह भी दिखाना है कहां पे माउंटेनियस बेल्ट है। बात समझ में आ रही है? माउंटेनियस बेल्ट। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, अब आप बताइए, इंटरनल सिक्योरिटी पे अभी पकड़ नहीं थी, अब आपको समझ में आना शुरू हुआ इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या चीज नीडेड है? बिना ज्योग्राफी के नहीं हो पाएगा इंटरनल सिक्योरिटी, लेट मी टेल यू। ठीक है, बिना इसके नहीं होने हो पाएगा। ये तो लिखा हुआ है ना, डिफिकल्ट, देखिए, बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन एंड हॉस्टाइल रिलेशंस विद सम कंट्रीज। दो फैक्टर्स, टेरेन भी खराब है और बगल के देश से दोस्ती भी, दुश्मनी है। टेरेन कहां कहां खराब है? ओके, म्यांमार। सेकंड, इसके क्या कहते हैं, टेरेन खराब है चाइना के साथ में, यस, टेरेन खराब है चाइना, म्यांमार, भूटान के साथ में टेरेन खराब है थोड़ा सा, नेपाल के साथ में, इन उत्तराखंड, यस, पाकिस्तान के साथ में, यस। आपको ऐसे ही कोट करना है, ठीक है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा ये डायग्राम्स? यस, और एक जगह डायग्राम्स आएंगे आईआर में, आईआर में। आई होप यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? टेल मी भाई, देखिए मैं फैक्ट बताता हूं, यूपीएससी के एग्जाम टफ है, इजी भी है। यूपीएससी के एग्जाम में आप बाहर भी हो सकते हैं, आप टॉप भी कर सकते हैं। आप एक आम इंसान हैं, आप एक इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है? भूटान से है भाई, भूटान से अरुणाचल के साथ में कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है, मैं बता दूं आपको, यहां पे ये देखिए, इस बेल्ट में, ये वही बेल्ट है जो तवांग ट्रैक्ट बेल्ट है, लेट मी टेल यू, तवांग बेल्ट, ठीक है? और यहीं पे एक क्रेन पाया था, ब्लैक नेकेड क्रेन, उसकी हिस्ट्री मैं एक दिन बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए।
वहां पे पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं रीसेंट टाइम्स में, 4-5 साल से बन रहे, मीन्स 8-10 साल से बन रहे हैं, उसके कारण उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। डाउन टू अर्थ हैड कवर्ड इट, एलुसिनेट मीन्स प्रूव इट, प्रूव इट। कुछ तो समझ में आया आप लोगों को आज, कुछ तो आप लोग आगे बढ़े होंगे आज मेरे हर एक सेशन के साथ, कुछ तो आप आगे बढ़ते हैं। चलते रहना पड़ेगा आपको हमेशा, रुकना नहीं है कहीं पे भी। प्रिलिम्स की मैपिंग की स्ट्रेटेजी मैंने बता दी आज, घर पे जाइएगा। ये पूरा टास्क केवल 4 से 5 घंटे का है, एक दिन में नहीं करना है। यूल गो मैड रीडिंग मैपिंग इन अ सिंगल डे। टेक आउट 10 मिनट्स एवरी डे। आज रेड सी पढ़ना है भाई, मैंने ये किया था, मुझे आज तक याद है, बता दूं आपको। आज रेड सी, कल मेडिटेरियन सी पे वेस्ट एशिया की कोस्ट, उसका जिब्राल्टर के आसपास का बेल्ट, फिर ग्रीस के आसपास का बेल्ट, उसके बाद इटली के आसपास का बेल्ट। बस रोज मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए पढ़ते हुए, रोज टास्क सेट कीजिए। और देखिए कंपल्शन मत कीजिए कि आज रेड सी ही पढ़ना है, और रेड सी पढ़ने का मन नहीं तो क्यों कंपल्शन कर रहे हैं? ठीक है, हो सकता है कि रेड सी पढ़ने का मन ना हो आपका, इंडोनेशिया पढ़ने का मन ना हो आपका, जो अच्छा लगे उसे उठाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, गॉट इट। प्री के लिए देखिए 2 साल का करंट अफेयर्स फॉलो करना है, 1 साल का तो मैं आपको खुद ही फॉलो करवा दूंगा, और रिमेनिंग 1 साल का मैं करंट अफेयर्स ग्रुप पे पोस्ट कर रहा हूं। आई हैव पोस्टेड एनवायरमेंट एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स टिल नाउ, साइंस टेक इस हफ्ते पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, यस यस, टेरेन की वजह से चाइना अग्रेसिव होता है, करेक्ट। इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इट विल, इट इज नॉट रिसोर्सेज विच विल मैटर एट द एंड। रिसोर्सेज का कोई सवाल ही नहीं है कि आपके लिए मैटर करेगा कि नहीं, आपके लिए एक ही चीज मैटर करेगा, आपका विल पावर, आईएएस बनने का जज्बा है कि नहीं, अंदर जज्बा है कि नहीं। जज्बा रहेगा बन जाइएगा, जज्बा नहीं रहेगा 50 किताब पढ़ लीजिए नहीं बन पाइए। जज्बा रहेगा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, जज्बा नहीं रहेगा रटते रहोगे आप, जज्बा रहेगा रास्ते निकाल लोगे आप कठिन परिस्थितियों में भी, जज्बा नहीं रहेगा आसान परिस्थितियों में भी आपको रास्ता कठिन दिखेगा। जज्बा, द विल पावर, द पैशन। मैंने सुबह भी कहा था आपको, या तो कोई काम करिए ही मत, या काम अगर उठाइए एक काम पूरा करना है तो लग जाइए, फिर जान लगाकर लग जाइए, समय देकर लग जाइए, सब कुछ सैक्रिफाइस करके। आई विल नॉट बिलीव व्हेन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, ऐसे भी हम लोग समय मूवीज वूवीज का कंसेप्ट था नहीं ज्यादा, हॉल्स वगैरह का ठीक है, लेकिन 4-5 साल तक आप बोलोगे ना एंजॉयमेंट सर बाहर जाके घूम कर होता है, मूवीज देख कर होता है, कुछ जगह एंजॉयमेंट नहीं होता था। पढ़ते थे तो लगता था कि कहीं ये पेपर में टॉप ना कर जाए, यही जज्बा था। रोंगटे खड़े होते थे कभी कभी पढ़ते पढ़ते, और नया थॉट लिखते लिखते। जब मन में सपने होते हैं ना, और सपने को साकार करने का विल पावर होता है, सपने को साकार करने का विल पावर होता है अगर, तो समझ लीजिए कि बाहर एंजॉयमेंट लगेगा ही नहीं आपको। मेंस के एग्जाम, आई हैव गिवन ऑल माय 4 मेंस जस्ट आफ्टर दिवाली। दिवाली का समय कैसे बीतता था, ठीक है, केवल घर पे एक फोन करते थे, ठीक है, वो भी नोकिया का पुराना मोबाइल, बहुत अच्छा फोन मैं आज भी मानता हूं, ठीक है। और मैं बता दूं आपको दैट घर पे एक बार फोन किया, फिर साइड किया, दिवाली सब कोई बाहर मना रहा है, सेक्रीफाइस किया, कमरे में बंद है, पढ़ रहे हैं, खुद के साथ बैठे हुए हैं, दिवाली का असल एंजॉयमेंट किताब में आ रहा है। वो स्टेज लाना पड़ेगा, वो स्टेज लाना पड़ेगा, वो ट्रांस का स्टेज होता है, ट्रांस बियॉन्ड, वो लाना पड़ेगा। यस,
मैं तो कहता हूं सब कोई कहता है मोक्ष प्राप्ति का ये रास्ता है वो रास्ता है, मैं कहता हूं मोक्ष प्राप्ति का एक ही रास्ता है। मोक्ष प्राप्ति का मतलब ही होता है, सेल्वेशन का मतलब ही होता है यू रियलाइज योर पोटेंशियल, आपका अपने ऊपर कंट्रोल पूरा। ये यूपीएससी एक तरीका है, एक शॉर्टकट है आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल, अपना पोटेंशियल रियलाइज करने का, लेट मी टेल यू। एंड आपने रियलाइज किया होगा कुछ कुछ चीजें जो मैं बोलता हूं, आपने रियलाइज किया होगा पिछले 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 साल, कभी ना कभी यूपीएससी की तैयारी करते समय। सल्वेशन प्राप्त कर लीजिए, कोई चीज असर ना कर पाए आपके ऊपर सिवाय आपके एम के। या तो काम करो ही मत, या काम करो तो ऐसा परफेक्शन से कि दुनिया देखे एक बार क्या बंदा था, सेट कर गया रिकॉर्ड्स, हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन, 250 नंबर में 150 नंबर सारे जीएस पेपर में, ऐसे में रिकॉर्ड कर दिया इसने, कैसा ऐसे लिखा होगा इसने, एग्जामिनर ऐसे पढ़े तो वो बोले क्या बंदा है ये, कैसा मार्क्स लिखा है, कैसे लिखा है, मुझे तो 250 में 250 देने का मन कर रहा है ये। यहां पे जज्बा विल पावर रहेगा ना तो इंटरलिंकिंग शुरू हो जाएगा, डीआई अप्रोच शुरू हो जाएगा, डीकोड इंटरलिंक अप्रोच। जज्बा रहेगा ना तो डीकोड द क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, जज्बा रहेगा ना तो प्रीलिम्स का आप प्रेडिक्शन करके जाओगे 40 सवाल मिलेंगे आपको आपके हिसाब से पेपर पर, और आप बोलोगे क्या इजी एग्जाम हो गया है। एग्जाम इजी नहीं है, आप उसमें ढल चुके हो, मोल्ड कर लिया आपने अपना रिश्ता उस एग्जाम के साथ में। यस, यू हैव मोल्डेड योर सेल्फ। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। और इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि मैं आपके साथ रहूंगा, साथ रहूंगा, रास्ते साफ करता चलूंगा मैं आपके लिए, रास्ता पे चलना आप ही को पड़ेगा, लेकिन जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी मैं हटाऊंगा आपके लिए, मैं साथ में चलूंगा, बगल बगल रास्ते के बगल बगल, रास्ता पे चलने का मन करता है, उस रास्ते पे मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, आपको वो अटेम्प्ट्स देने हैं, मेरा बस चलता तो मैं उसी रास्ते पे चल निकलता आपके साथ, लेकिन इतना याद रखिएगा मैं साथ में रहूंगा और आपके साथ मैं भी इस युद्ध में हूं, उतना ही इन्वॉल्व, उतना ही जज्बा मेरे पास। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि पढ़ाई कैसे होती है, मुझे इतना पता है कि जब किसी काम में लग जाओ तो पूरा लग जाओ, कोई चीज तुमको ना डेविएट कर पाए, ना डाइवर्ट कर पाए। इसीलिए मैं जब द हिंदू पढ़ता हूं सुबह सुबह, द हिंदू पढ़ता हूं 30 डेज में, मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक दो दिन ऐसा जाता है कि कभी कभी लेट उठता हूं, डिफिकल्ट होता है सब कुछ मैनेज करने में, लेकिन 28 दिन उठता हूं समय पर, 2-2.5 घंटे लगाता हूं उसमें, द हिंदू का एनालिसिस करने में, उसका बैकग्राउंड तैयार करता हूं, याद करता हूं पुराने समय में कैसे मैंने पढ़ाई की थी, याद करता हूं क्या पढ़ के गए थे, याद करता हूं 8 साल की मेहनत जो ऑफलाइन बच्चों को दिया है मैंने, और तब सबको एक में समेट कर आपके सामने पुटअप करता हूं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तो रास्ते पे चल निकलना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ये जंग है और खुद को पाने की जंग है। इस चीज को याद रखिएगा कि इस लड़ाई में हार जीत मायने नहीं रखेगी, ना मैं लड़ाई करवा रहा हूं आपसे, इसमें हार जीत मायने नहीं रखेगी, मायने रखेगी खुद से नजर मिलाना। अगर इस एग्जाम के बाद देने के बाद खुद से नजर मिला लीजिएगा तो ना आपका मन दोबारा आपको कुछ कहेगा ना मैं कहूंगा, लेकिन अगर जरा भी चोरी हुई, चोरी का मतलब क्या, अगर आपका एग्जाम में नहीं हुआ और आपकी गलती थी, आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओ, याद रखिए। तो बस लग जाइए, लग जाइए, वेट किस चीज का है, किस चीज का है इंतजार आप लोगों को। आपको भी लगता होगा कि बाकी लोग भी पढ़ ही रहे हैं ना, हम भी पढ़ देते हैं वैसे ही, नहीं, जब बाकी लोगों की तरफ पढ़ना है तो आपकी, आपको आपका नाम क्यों दिया गया, आपको विकास, लिपुन, दिनेश, अभिषेक, सुभद्रा, खुशबू नाम क्यों दिया गया, आपके पेरेंट्स ने नाम क्यों दिया, जब बाकी लोगों की तरह ही पढ़ना है और उसी तरीके से नॉर्मल इंसान बनकर निकल जाना है, नहीं, आपको अपने नाम का
अहमियत बतानी है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट्स इट। मिलते हैं फिर से 7 बजे, 1 घंटे के बाद, डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन में ऐप के ऊपर, 7 बजे शाम को, 7 बजे शाम को मिलते हैं डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन में। कोई डाउट्स होगा लेकर आइएगा, एक फ्रेंडली डिस्कशन होगा। 30 डोज हो गया, ठीक है, हैवी डोज, लेकिन चाहिए था आप लोगों को, नीडेड था। इस हैवी डोज को लेकर जाइएगा और जान लगा दीजिएगा पढ़ाई में। समझ लीजिएगा कि आपको एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है जीवन में अपने आप को पाने का, यूपीएससी का एग्जामिनेशन। 7 बजे आइए, 7 से 7:30, 7:45 तक डाउट क्लैरिफिकेशन, जो डाउट्स होंगे पूछिएगा, आई विल आंसर इट। और आज उसके बाद सेशन नहीं होगा, कल सुबह 7 बजे ऐप पर एमसीक्यूज, और कल सुबह 8:15 पे द हिंदू। थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स, टेक केयर। और कल शाम को भी 4 बजे एक सेशन रहेगा, यस, कोई ना कोई टॉपिक पे मिलिए हमसे, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, थैंक्स लॉट फॉर ऑल ऑफ योर अफेक्शन एंड लव। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पैन इंडिया से वॉच कर रहे हैं लोग एंड फॉलो कर रहे हैं आप लोग। थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।